इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे शहर की संजीवन कॉलोनी से, जहां एक ही घर में मिली है 11 लाशें। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 11 लाशें। इसका मतलब 11 मर्डर्स, और इन सारे मर्डर्स का प्राइम सस्पेक्ट 32 वर्षीय अमित वर्मा फरार है। आप स्क्रीन पर उसका चेहरा देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग घर अमित के नाम पर ही है और आखिरी बार वही घर में था। लेकिन अभी अमित कहाँ है? इस सवाल के जवाब को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है, और इसलिए इंस्पेक्टर ऋषि मेहता खुद अपनी माँ उर्मिला मेहता को ही इंटरोगेशन रूम में लेकर आ गए हैं। अमित का लास्ट टाइम कॉन्टेक्ट उर्मिला जी से ही हुआ था, और अब उनका इंटरोगेशन शुरू हो गया है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स देश भर में लोगों तक इस केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर 57 वर्षीय उर्मिला जी इंट्रोगेशन रूम में ऋषि के सामने बैठी हुई थी। मरने से पहले उनके पति आईपीएस थे, लेकिन उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन की चौखट भी पार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर आज किसी मर्डर से उनका एसोसिएशन उनके झुर्रियों से भरे सर पर पसीने का कारण बन रहा था। माँ, अब बिल्कुल भी घबराइए मत। जो कुछ हुआ है अब खुलकर और सच सच बोल दीजिए। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऋषि ने रिकॉर्डर ऑन किया। बात दरअसल कल शाम की है। मैं अपने पपी को सैर करवा कर वापस आई तो मैंने देखा कि अमित के घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो आदमी बहुत सस्पिशियस लग रहा था। उसके लंबे बाल, घनी दाढ़ी और अजीब से कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो। तब मैं उसके पास रुकी, वो बासी ले रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो अमित ही है। तब मैंने उससे पूछा, आ ही गए तुम आखिरकार? तब उसने वो बासी लेकर कहा, हाँ आंटी, जस्ट अभी भी आया हूँ। कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कितने दिन से नहाए नहीं हो? बहुत बदबू आ रही है। मैं 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा था आंटी, अभी आज ही यहाँ पहुंचा हूँ। अब आ गया हूँ तो अंदर जाके सोने से पहले जरूर नहाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से उबासी लेने लगा। कुछ नहीं आंटी, बस इस घर को मिस कर रहा था। बहुत दिन हो गए ना यहाँ से निकले हुए, लगभग 8 महीने। जब से यहाँ से निकला हूँ तब से चैन की नींद ही नसीब नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके जल्दी से सो जाऊं, पर ये पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। अब वो तुम ही जानो अमित, कितनी बार तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इस घर का ओनर कौन है, क्या ये बिका हुआ है, क्या ये लीज पर देने के लिए है। तब मैं उनसे कहती हूँ कि तुम यहाँ रहते हो, लेकिन कोई भी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी कॉलोनी के बच्चे उसे भूतिया घर कहते हैं। अगर यहाँ बॉल चली जाती है तो लेकर भी नहीं आते। मैं लोगों को बता ही नहीं पाती कि तुम कहाँ रहते हो, कितने दिन के लिए जाते हो, और आखिर तुम करते क्या हो। तुम कब बताओगे मुझे? अब आंटी, भूत के नाम से ही सही, कम से कम लोग इस घर को और मुझे परेशान तो नहीं करते। इतना कहकर वो हंसने लगा। उसने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया था कि वो करता क्या है। मैं उसे 4 साल से जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं, और जब जब मैं उससे पूछती हूँ वो हमेशा बात टाल देता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अमित एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकता है? डिटेक्टिव? और वो भी अमित? क्या तुम सच कह रहे हो ऋषि? हाँ माँ, बिल्कुल सच। वो अपने केसेस के सिलसिले में ही बाहर जाता था और गायब रहता था। वो इस सब को प्राइवेट रखना चाहता था, इसीलिए शायद उसने आपको कभी इस बारे में बताया नहीं। फिर क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो कल सुबह तक कहीं जाना मत। मेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग से इंस्पेक्टर बनकर वापस आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो। तुम अभी सो जाओ, कल सुबह मैं ही उसे तुम्हारे यहाँ लेकर आऊंगी। और हाँ, कल लंच हमारे यहाँ पर ही करना है। और हाँ, बस तुम आज रात को ही कहीं भाग मत जाना। मेरी इस बात को सुनकर वो हंसा और अंदर चला गया। तब मैं भी घर आ गई। ऋषि ने रिकॉर्डर को बंद किया। ठीक है माँ, आप जा सकती हैं। उर्मिला जी अपनी जगह से उठी, और बाहर निकलने से पहले उन्होंने ऋषि से कहा, ऋषि
अमित को तुम अरेस्ट कर भी लो तो उससे आराम से बात करना। वो इस तरह का आदमी नहीं है जो इतने लोगों को मार दे। जरूर कुछ और बात होगी। तुम बस चीजों को अच्छे से हैंडल करना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स उर्मिला जी से क्वेश्चन करने लगे। उर्मिला जी, क्या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था? क्या आपने किसी और को भी देखा था? आपको कैसे पता चला इन मर्डर्स के बारे में? और क्या अमित ने और भी मर्डर्स किए हैं? उर्मिला जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पुलिस जीप में बैठकर वहां से चली गई। तब न्यूज चैनल्स पर फिर से अमित की फोटो और 11 मर्डर्स की हेडलाइन चलने लगी। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अमित भी उस न्यूज को देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स की बातें सुनकर और हेडलाइंस देखकर उसे गुस्सा आने लगा। झूठ, सबका सब झूठ। बंद कर दो श्रुति, बंद कर दो इसे, वरना टीवी को फोड़ दूंगा मैं। श्रुति ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अमित, सब तुम्हें मर्डरर डिक्लेयर कर चुके हैं। तुम्हारे गुस्सा करने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सबसे पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। बट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अमित ने तब अपना गुस्सा निगल लिया। क्या चाहती हो तुम? सच, एक एक डिटेल, जो भी तुम्हें याद हो मुझे सब बताओ, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। अमित ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। जब मैं कल रात अपने घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था, और इसीलिए अपनी नेबर से बात करके मैं घर के अंदर चला गया। 8 महीने बाद वहां गया था मैं, इसलिए पूरा घर धूल से सना हुआ था, पर मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया और किचन में चला गया। वहां मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि किचन में एक अलग ही तरह की फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और डाइनिंग एरिया की पूरी जगह घर के कंपैरिजन में ज्यादा साफ दिख रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक शेल्फ खोलकर उसमें से फूड पैकेट निकाला, उसे कुक किया और खाना खा के मैं नहाने चला गया। कांच के सामने खड़े होकर जब मैंने अपने आप को देखा तो जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी शक्ल देखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल से भागा हुआ कैदी हूं। पर मैंने सोचा अब जो भी होगा वो सुबह ही करूंगा, और फिर नहाने के बाद मैं ऊपर वाले अपने बेडरूम में सोने चला गया। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और उसकी आवाज सुनते हुए मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई। मैं आराम से अपने बेड पे सो रहा था और पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह के पास कुछ है। मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है, इसीलिए मेरी आंखें जल्दी से खुल गई, और तब मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी नाक से 2 इंच की दूरी पर एक गन थी जिसे पकड़कर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने मेरे हेड की ओर एम कर रखा था और वो शूट करने ही वाला था। कमरे में अंधेरा था इसीलिए मुझे वो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और शायद उसे पता नहीं चला कि मेरी आंखें खुली हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर मैं जल्दी से अपने बेड पर रोल हो गया और एक तरफ नीचे गिर गया। वो हैरान हो गया और मैं मौका देखकर वहीं खड़ा हो गया। वो कौन था मैं इस बात को फिगर आउट कर पाता इससे पहले ही उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे उसकी हल्की सी शैडो दिख रही थी इसीलिए उसके अटैक्स को डिफेंड करने में प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन फिर मेरी आंखें उस अंधेरे को एडजस्ट करने लगी और मैंने भी अटैक किया। मैं उस पर अटैक कर रहा था पर उसके रिफ्लेक्सेस भी मेरी तरह ही तेज थे। वो एक ट्रेंड आदमी था। अगले अटैक से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक जोर की किक मेरे चेस्ट के ऊपर मारी जिसकी वजह से मैं पीछे दीवार से टकरा गया। तब मैंने चिल्ला के पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा करके मैंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जो आवाज आई उसको फॉलो करते हुए वो मेरी तरफ आया और उसने फिर से अपनी गन मेरी तरफ पॉइंट कर दी।
पर उसे अच्छा शॉट चाहिए था, इसीलिए वो मेरे थोड़े और पास आया, पर तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों गन छीनने की कोशिश करने लगे और इस स्ट्रगल में हम कमरे की चीजों से टकराने लगे और वो सारी की सारी चीजें नीचे गिरने लगी। पर वो आदमी बहुत स्ट्रांग था और तभी उसने मुझे उठाया और फेंक दिया। मैं जमीन पर जा गिरा, लेकिन मेरे गिरने के साथ ही गन चल चुकी थी और उसके बुलेट सामने वाली दीवार पर जा लगी। गन में साइलेंसर था, इसलिए कोई आवाज नहीं आई। जब मैं नीचे जमीन पर था तो मुझे लगा कि अब मेरा गेम खत्म होने वाला है और ये मुझे मार डालेगा। लेकिन उसने जब ट्रिगर दबाया तो गन में एक भी बुलेट नहीं थी। वो लगातार ट्रिगर दबा रहा था और जब खाली गन की आवाज मेरे कानों में आई तो मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे मारने आया था तो फिर इसकी गन में सिर्फ एक ही बुलेट क्यों थी। पर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता या खड़ा होता, उसने गन जोर से मेरी तरफ फेंकी जो मेरे सर पर लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। अमित, मैंने तुमसे क्या पूछा था और तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने लग गए? मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने उन लोगों का मर्डर किया या नहीं। देखो, मैंने जो बात बताई है वो बताना जरूरी था। अब तुम अगर आगे सुनोगी तो सब समझ जाओगी। मैं पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मैं उठा तो माहौल बिल्कुल वैसा ही था। अब भी बारिश हो रही थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और गन के वाउंड से खून निकल रहा था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बस एक सपना था और मैं बस बेड से नीचे गिरा था इसीलिए मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही पल जब मैंने इधर उधर हाथ किए तो मुझे वो गन मिल गई और मेरा सपना हकीकत में बदल गया। मैंने गन पिक करते हुए कमरे की लाइट्स ऑन की। पूरा कमरा हमारी फाइट की वजह से फैला हुआ था और दीवार पर बुलेट का निशान साफ साफ दिख रहा था। मैं अब भी उस चीज को समझ नहीं पा रहा था और तब मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि वो आदमी क्या चुरा कर ले गया है। पर जब मैं नीचे पहुंचा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे घर की डाइनिंग टेबल पर 11 लोग बैठे हुए थे। वो दिखने में अलग थे और सबके बैठने का ढंग भी अलग था, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी, वो सब के सब मरे हुए थे। उन सब के सर में एक एक बुलेट थी और जिस गन से उनका मर्डर हुआ था वो गन मेरे हाथ में थी। इसका मतलब यही था कि उन सबका मर्डर मेरे ऊपर ही ब्लेम हो रहा था और एक ही रात में मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव से 11 लोगों का मर्डर बन गया जिन्हें उस आदमी ने मारा था जो मुझे मारने आया था। और अब मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा और अपना नाम क्लियर करना होगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपनी मां का इंट्रोगेशन कंप्लीट करने के बाद ऋषि अभी भी वहीं बैठा हुआ था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। उसने कुछ सोचा और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। ऋषि को बाहर आते देख सारे रिपोर्टर्स उसकी तरफ अपना माइक लेकर भागने लगे। ऋषि सर, आखिर क्या अपडेट दिया आपकी मदर ने? क्या उन्होंने उन 11 लोगों में से किसी एक को भी आइडेंटिफाई किया? क्या आप उनमें से किसी का भी नाम या फोटो रिवील करेंगे या ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रहेगी? और क्या अमित को लेकर कुछ और अपडेट है जिसके लिए आप अभी बाहर जा रहे हैं? रिपोर्टर्स ऋषि से सवाल करने लगे, लेकिन उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी जीप में कांस्टेबल कावड़े के साथ बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में ऋषि की जीप अमित के घर के बाहर रुकी। वहां पर भी रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी, साथ ही वहां कांस्टेबल्स भी खड़े हुए थे जो आम लोगों और रिपोर्टर्स को घर के अंदर जाने से रोक रहे थे। ऋषि सबके बीच में से होते हुए घर के अंदर चला गया और कावड़े ने उसे फॉलो किया। कावड़े, किसी भी कांस्टेबल को अंदर आने मत देना और तुम मेरे साथ चलो। कावड़े को ऋषि की आवाज में वही फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया।
वो तुरंत बाहर गया और कॉन्स्टेबल्स को ऋषि का मैसेज देकर वापस आ गया। तब ऋषि और कावड़े दोनों अमित के बेडरूम की तरफ जाने लगे। बेडरूम के अंदर घुसते ही कावड़े ने वहां की कंडीशन देखी और कहा, लगता है इधर बहुत ही बड़ा लोचा हुआ साहब। नीचे लाशें और ऊपर ऐसी हालत, बहुत बड़ा साइको है ये आदमी। साइको तो है कावड़े, लेकिन ये साइको आगे कुछ करे इसके पहले हमें इसे पकड़ना होगा। तुम इस कंडीशन को देखो और फिर इसे। इतना कहकर ऋषि उस दीवार की तरफ बढ़ा जिसमें बुलेट होल था और उसे देखकर उसने कावड़े से कहा, मुझे इस बुलेट का सीक्रेट अभी भी समझ नहीं आ रहा। आखिर जब उसने 11 लोगों को नीचे गोली मार दी तो फिर ये एक गोली यहां क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ और भी करने की कोशिश की हो, लेकिन हम उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ये केस जितना दिखता है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हमें मर्डर वेपन्स वाली गन मिली? नहीं साहब, सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गन नहीं मिली और ना कोई फिंगरप्रिंट्स। उस आदमी को पता था कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसने सब जगह से अपने निशान मिटा दिए। जब ऋषि ने ये स्टेटमेंट सुना तो उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी उस होल की तरफ ही देख रहा था। तब अचानक से उसका फोन बजने लगा जिसमें एक अननोन नंबर था। ऋषि ने पिक करते हुए कहा, हेलो सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता स्पीकिंग। हेलो ऋषि सर, मैं अश्वनी बोल रहा हूँ। मुझे अमित के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अमित का नाम सुनकर ऋषि की आंखें चौड़ी हो गई और उसने फोन को स्पीकर पर स्विच कर दिया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ऋषि सर, आप जिस आदमी के पीछे पड़े हैं वो वैसा नहीं है जैसा मीडिया में बता रहे हैं। उस आदमी ने मेरे पापा के 8 साल पुराने पेंडिंग मर्डर केस को सॉल्व करने में हमारी मदद की थी और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आप उसे कुछ मत करिए, वो मर्डरर नहीं है। जब ऋषि ने इस बात को सुना तो जैसे उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकला और उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन मर्डरर है और कौन नहीं? तुम हो कौन यार, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन लगाने की? सुबह से 25-12 से ही कॉल अटेंड कर चुका हूँ। अमित ने ये नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं है, ये सारी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अब अमित इनोसेंट प्रूव हो उस दिन बात करना, और आइंदा फोन लगाया तो तुम्हें झूठे केस में अंदर कर दूंगा, और अपने जितने भी साथी है उन सबको इस बारे में बता देना। इतना कहकर ऋषि ने फोन कट कर दिया। कावड़े को अब समझ आ गया था कि ऋषि इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिख रहा है। तब ऋषि गुस्से में वहां से बाहर निकला और कावड़े भी उसके पीछे पीछे चला गया। जहां लोग ऋषि को बार बार फोन लगाकर अमित की स्टोरी बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर जब श्रुति ने अमित की पूरी स्टोरी सुनी थी तो वो थोड़ी शॉक्ड थी। तब उसने अमित से पूछा, फिर क्या हुआ अमित? जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन वो सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया। सबके सर में एक गोली थी और उनकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देख रहे थे। मैंने पहले भी मर्डर्ड बॉडीज को देखा है, लेकिन यह वाला सीन ज्यादा हॉरिफिक था, क्योंकि ये मेरे सामने मेरे घर में था। मैं अपने सेंसेस खोता इससे पहले मैंने चीजों को कंट्रोल करने के बारे में सोचा। मैं कुछ भी करके उन बॉडीज को कहीं ले नहीं जा सकता था और ना ही उनको हाइड कर सकता था। बारिश बंद हो गई थी और हल्की रोशनी सुबह का इंडिकेशन दे रही थी। तब मैं अपने काम पर लग गया। मैंने सबसे पहले हर उस जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जहां कल रात को मैंने हाथ लगाया था। फूड पैकेट का रैपर अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मैंने अपना बेड सही नहीं किया। मुझे पता है कि पुलिस दीवार पे लगे उस बुलेट होल को इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर उन्हें वहां सब कुछ नॉर्मल दिखता तो मेरा केस वीक हो जाता।
मैंने बस गन को अपने पास रखा और मैं पीछे के रास्ते से कोट और हैट पहनकर वहां से निकल गया। एक सेकंड, तुम इतनी आसानी से बाहर निकल गए और किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है अमित। सच कहूं तो तुम्हारी स्टोरी धीरे धीरे अनबिलीवेबल और कवर अप स्टोरी टाइप की लग रही है। जब अमित ने श्रुति की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे यह पता था कि वो श्रुति के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। यही बात सोचकर उसने अपनी कोट की इनसाइड पॉकेट से गन को निकाला और उसे पास ही में रखी टेबल पर रख दिया। श्रुति अब उस गन को देख रही थी। तब अमित ने कहा, यह वो गन है जो मैंने वहां से पिक की थी। तुम देख सकती हो उसे, इसमें कोई भी बुलेट्स नहीं है और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। मेरे घर के पीछे के रास्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसे मैं सिर्फ केसेस पर जाने के लिए यूज करता हूं और इसीलिए कोई मुझे देख नहीं पाया था। श्रुति अभी भी उस गन को देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे, जिससे अमित को थोड़ा रिलीफ हो गया था कि श्रुति उसकी बातों पर विश्वास कर रही है। तब श्रुति ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मुझे पता था कि शहर में एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, और इसीलिए मैं यहां आ गया। जब यहां पहुंचा तो गेट लगा हुआ था, पर मुझे मालूम था कि तुम कीज कहां रखती हो, और मैं अंदर बैठ के आराम से रिलैक्स करने लगा। मैंने गन को टेबल पर रख दिया और तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा, लेकिन तुमसे पहले ये तुम्हारा कजन आ गया। इतना कहकर अमित ने जॉन्टी की तरफ इशारा किया, जो एक कोने में बैठा हुआ इतनी देर से अमित और श्रुति की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उसने अपने सर पर एक आइस पैक रखा हुआ था, जिससे वो वहां हो रही स्वेलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब अमित ने कहा, मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही इसने मुझे, इसलिए जब इसने मुझे और फिर इस गन को देखा तो इसे लगा कि मैं यहां चोरी करने आया हूं। इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाता, इसने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, इसलिए ये हार गया। बट इसे ये चोट लग गई और ठीक उसी वक्त तुम एंटर हो गई। तब फिर मैंने इस गन को वापस रख दिया और हम दोनों भी दूर हो गए। उसके आगे की कहानी तुम्हें पता ही है। अच्छा, अब मैं समझी कि जब मैं अंदर आई तो जॉन्टी ऑलमोस्ट बेहोश क्यों होने वाला था और तुम उसके ऊपर क्यों बैठे हुए थे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन मुझे अमित की पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी एक चीज समझ नहीं आई कि आप दोनों का रिलेशन क्या है। अमित को क्यों पूरे शहर में सिर्फ आप पर ही भरोसा है? क्योंकि अमित और मैं एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और हम रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। हम दोनों ही डिटेक्टिव वर्क में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हमने एक एकेडमी ज्वाइन की थी और वहाँ ही सारी टेक्निक सीखी थी। वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद हम दोनों ने साथ में कुछ केसेस पर भी काम किया और इसीलिए हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया था। तब हमें एक बार CBI की तरफ से ऑफर आया था कि हम उनके लिए एजेंट्स बन जाएं। मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अमित बस प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता था, इसीलिए हमारे रास्ते अलग हो गए। जब श्रुति ने अपनी बात कंप्लीट की तब वो अमित की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर रही थी। वहीं जब अमित ने श्रुति की स्टोरी को सुना तो बिना कुछ कहे ही अपनी नजरें झुका ली। तब श्रुति ने अमित से पूछा, इन सब में मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही अमित, आखिर क्यों तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी उस जिंदगी से खुश नहीं थे? तुम अगर नहीं आते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, ना तुम्हें प्रॉब्लम होती ना ही मुझे। श्रुति की बात सुनकर अमित ने अपनी नजरें उठाई और उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन श्रुति के सवाल को सुनकर इस बार अमित को फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग ने पूरी तरह घेर लिया था और तब उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मैं थक गया था मैं भाग भाग कर अपने पास से लड़ लड़कर चीजों को सॉल्व करते करते। हर जगह जाता था तो वही सोचता था जो मेरे साथ पहले हुआ था, और बस उससे दूर भागने के लिए ये सब कर रहा था मैं। लेकिन जब ये लास्ट केस कंप्लीट किया तो मुझे समझ आया कि 8 साल पहले जो भी हुआ था मैं उसे बदल नहीं सकता।
चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ नहीं बदलने वाला, और इसीलिए मैं बस एक आराम की जिंदगी जीने के लिए यहां आया था। पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, वरना मैं यहां कभी नहीं आता। अमित की बात सुनकर श्रुति को अपना जवाब मिल गया था, और तब उसने अमित से बस एक ही सवाल पूछा। पर अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अब आराम नहीं मिल सकता है ना? मुझे पता है कि तुम किसी केस में इन्वॉल्व हो जाओ तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं अमित। अगर इस बार तुम भाग गए तब ही बच सकते हो। नहीं श्रुति, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं अगर भाग गया तो शायद मैं तो बच जाऊं, पर एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जो मेरे घर में थे। पुलिस ने अभी तक उनका नाम और फोटो रिवील नहीं किया है, इसका मतलब कुछ हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे केस को छोड़कर मैं कहीं भी जाऊं। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट कर भी ले तो मुझे उन लोगों को जस्टिस दिलवाना है। मेरी लाइफ से ज्यादा मुझे वो प्यारे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए उन 11 लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। यह गेम भले ही उस आदमी ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपके दिल की धड़कनें भी रुकी हुई हैं, और मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर कहाँ है अमित? क्या कभी पुलिस उसे पकड़ने में सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर वो ऐसे ही मर्डर्स करता रहेगा? हमारे रिपोर्टर्स पूरे टाइम पुलिस स्टेशन के और अमित के घर के बाहर तैनात हैं, और हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक अमित मिल नहीं जाता तब तक क्या हम सेफ हैं? इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारा डिस्कशन पैनल किलर डिटेक्टिव अब से कुछ ही देर में। न्यूज की हेडलाइंस और रिपोर्टर्स की बातों ने देश के बहुत सारे लोगों को टीवी के आगे आने पर मजबूर कर दिया, और सबके जहन में बस अमित के लिए नफरत ही थी। कहीं पर लोग चाह रहे थे कि उसे फांसी की सजा हो जाए, और कहीं पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अमित किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन अमित को इस बात से सुकून नहीं था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। उसके मन में बस जल्दी से कुछ करने की इच्छा थी, और वही इच्छा उसे फ्रस्ट्रेशन से भर रही थी। जब श्रुति ने अमित की बातों को समझने की कोशिश की तब अमित को थोड़ा रिलीफ हुआ था कि अब उसे श्रुति को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन श्रुति के मन में अब भी एक सवाल था। अमित, क्या तुमने उन 11 लोगों में से किसी को भी चेक किया? हो सकता है किसी तरह से वहां से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम उनकी आइडेंटिटी को जान सके। हाँ श्रुति, ऑफ कोर्स चेक किया था मैंने उन्हें, वो भी ग्लव्स पहन के। बहुत ही नॉर्मल लोग थे वो, ना कोई फैंसी सूट्स, ना कोई फैंसी स्टाइल, सबने नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन रखे थे। उन सबकी पॉकेट्स में कुछ भी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं था, ना कोई पर्स, ना कोई कार्ड, बस कुछ पैसे थे। लेकिन उन सब में से एक आदमी था, उसकी पॉकेट में एक बैज बना हुआ था। रुको, मैं उसे डिजाइन करता हूं। अमित ने पास ही टेबल पर रखे हुए पेन और पेपर को उठाया और वो उस पर स्क्रिबल करने लगा। उसका डिजाइन कुछ ऐसा था, एक सर्कल था, उसके अंदर वर्ल्ड मैप था जिसपे इंडिया साफ साफ दिख रहा था, और उस वर्ल्ड के ऊपर एक ईगल था जिसके क्लॉज बहुत शार्प थे, और अराउंड द बॉर्डर वहां पर 3 हिंदी वर्ड्स लिखे हुए थे, ये से नी क। आई नो कि इन वर्ड्स का कुछ तो मीनिंग जरूर होगा, लेकिन मैंने उस टाइम अपना फोन बंद कर दिया था और अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हें कुछ पता है क्या? श्रुति और जॉन्टी दोनों ही अमित के पास आ गए और उन लोगों को देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि श्रुति कुछ कहती, जॉन्टी ने कहा, ये लोगो, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुमने यही लोगो देखा था? हाँ जॉन्टी, मैं 100% श्योर हूं। मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है तो तुम इस पे डाउट नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने इस लोगो को कहीं देखा है?
हाँ बिल्कुल देखा है, मैं इस लोगों के रास्ते से रोज जाता हूँ। आई मीन मेरी कोचिंग क्लासेस उसी रास्ते पर हैं, जहां इस लोगों का एक बैनर लगा हुआ है जिस पर एक आदमी की फोटो भी है। आज भी मैं वहीं से गया था, लेकिन मुझे पता चला कि उस रास्ते में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए मैं वापस लौट कर आ गया था। इस लोगो का फुल फॉर्म स्पेल आउट करता है सेवा, निष्ठा और कर्म। इट्स लाइक अ मोटो। जब अमित ने जॉन्टी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसे अपना पहला क्लू मिल चुका था, जहां से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता था। वो अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और उसने जॉन्टी के कंधों को पकड़कर उससे पूछा, क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकते हो? हाँ मैं ले जा सकता हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम्स? सबसे पहले तो ये कि मैं बस रोज वहां से निकलता हूं जहां ये बैनर लगा हुआ है, लेकिन वो बस एक ऑफिस है, लाइक एक ब्रांच की तरह। ये आदमी कहीं और रहता है और वो मुझे पता नहीं, पर उस बैनर पर उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, तो हम वहां जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं। न्यूज रिपोर्ट्स इतनी देर से चल रही हैं, लेकिन एक बार भी किसी का फेस या नाम फ्लैश नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी के बैनर्स सिटी में लगे हुए हैं उसकी आइडेंटिटी पता करना इतना टफ है। हो सकता है कि ये आदमी शायद किसी गलत काम में इन्वॉल्व्ड हो और इसे ढूंढना हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक बन जाए। भले ही जॉन्टी एक टीनेजर था, लेकिन अमित को समझ आ रहा था कि उसके थॉट्स में दम है और शायद ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पर अमित को यह भी पता था कि उसे यह चांस लेना ही पड़ेगा। शायद तुम सही हो जॉन्टी, लेकिन यह चांस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर मुझे पता होगा कि उन 11 लोगों में क्या लिंक था, तो मैं उस मर्डर तक पहुंच पाऊंगा और अपना नाम क्लियर कर पाऊंगा, और इसके लिए मुझे ये रिस्क भी लेना पड़ेगा। पर अमित, रिस्क लेने में अगर तुम्हारा नुकसान हो गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम इस आदमी को ढूंढने जाओ, तब तुम्हें कोई स्पॉट कर ले और फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगी? तुम बहुत सारी चीजों को बिगाड़ दोगे अमित। आई नो श्रुति की चीजें बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं इधर उधर भागूंगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा? पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि मैं एक डिटेक्टिव हूं। वो अब मेरे पास को बाहर निकालेंगे और फिर वो तुम तक पहुंच जाएंगे। तब चीजें इतनी बिगड़ चुकी होंगी कि मैं उन्हें सही करने के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। और रही बात मुझे स्पॉट करने की, तो उर्मिला आंटी ने जो स्केच पुलिस को दिया है और जो मीडिया पे चल रहा है ना, वो बियर्ड और लंबे बालों के साथ है। मैं अभी शेव कर लेता हूं और साथ ही बाल भी ट्रिम कर लूंगा, तब एटलीस्ट लोग फर्स्ट टाइम में तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अपनी बात कंप्लीट करके अमित ने अपनी कोट और हैट निकाल दी और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। श्रुति को पता था कि अमित कितना रिजिड है, इसीलिए उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और जॉन्टी अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेगी। एक बार फिर जब अमित ने अपने आप को कांच के सामने पाया, तो उसके लिए कल रात की मेमोरीज फ्लैश होने लगी। उसे अपने सर पर वो चोट दिख रही थी और गुस्से में आकर उसने पास ही में रखी सिजर्स उठाई और उससे अपने बाल काटने लगा। श्रुति और जॉन्टी दोनों अब भी वहीं खड़े अमित का इंतजार कर रहे थे। तब अचानक जॉन्टी को कुछ क्यूरियोसिटी हुई और उसने अमित के कोट की पॉकेट में से गन को निकाल लिया और उसे देखने लगा। तभी श्रुति ने एकदम से उसके हाथ से गन छीन ली। तुमने क्यों निकाला इसे? इतना कहकर श्रुति ने गन को वापस रख दिया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि जॉन्टी ने अमित का फोन भी निकाल लिया था और डांट से बचने के लिए उसने धीरे से उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अंदर वॉशरूम में अमित ने अपनी पूरी बियर्ड कट कर ली और वो बाहर आ गया। टीवी ऑन था और न्यूज चैनल पर डिस्कशन पैनल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो फोटो अमित के वहां पर दिख रही थी
वो बिल्कुल भी अमित के करंट लुक से सेम नहीं थी। उसकी अनइवन कट की गई हेयर स्टाइल उसे एक पागल आदमी जैसा दिखा रही थी। उसने अपना कोट और हैट पहन लिया, फिर जॉन्टी को इशारा किया और तब वो दोनों बाहर निकलने लगे। अपना ख्याल रखना अमित, और जॉन्टी का भी। हाँ श्रुति, और जब तक हम वापस नहीं आए तब तक प्लीज यहां से कहीं मत जाना। हो सकता है तुम्हें ट्रेस करने का काम शुरू हो गया हो। तुम सेफ रहना और किसी से भी मेरे यहां पर होने की बात मत कहना। अमित की बात सुनकर श्रुति ने गर्दन हिलाई और फिर उसे गले लगा लिया। अमित को श्रुति का केयरिंग नेचर बहुत टाइम बाद दिखा था, लेकिन वो उसे महसूस करके अच्छा फील कर रहा था। फिर वो दोनों अलग हुए और जॉन्टी के साथ अमित वहां से चला गया। अमित डिटेक्टिव होने की वजह से अपने लुक को बहुत अच्छे से हाइड कर रहा था और साथ ही वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ध्यान से देखे, इसीलिए उसने अपने कोट की कॉलर को ऊपर कर लिया और वो जॉन्टी के पीछे बाइक पर बैठा हुआ था। शहर में घूमते हुए उसे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था और हर एक गली और शॉप उसे पुरानी यादों में ले जा रहे थे, पर उसका ध्यान अपने काम पर था। और कुछ ही देर में जॉन्टी ने बाइक को उस बैनर के सामने रोक दिया। वो ब्लू कलर का था, जिस पर वही लोगो था और साथ में एक आदमी का फोटो भी था जो स्माइल कर रहा था। उसे देखते ही अमित ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही आदमी है जिसके सर में उसने गोली देखी थी। तब अमित ने उसका नाम और एड्रेस पढ़ा। सत्येंद्र भटवाड़ेकर, चौल नंबर 319, फूलदास नगर। फूलदास नगर? अरे ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तुम्हें पता है क्या? मैं तो इस शहर में कुछ टाइम पहले ही आया हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं। अमित पोस्टर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जॉन्टी ने अमित का फोन अपनी पॉकेट में से निकाल लिया जो बंद था। जॉन्टी ने उसे ऑन किया और फिर एड्रेस सर्च करके कहा, मैप के अकॉर्डिंग ये 5 किलोमीटर दूर है, मैं वहां तक जा सकता हूं। जॉन्टी की बात सुनकर अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसे जॉन्टी के हाथ में अपना फोन दिखा तो उसने जल्दी से उसे छीन लिया और बंद कर दिया। अरे ये तो मेरा फोन है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? अरे तुमने इसे ऑन क्यों किया? पुलिस मेरा फोन ट्रैक कर रही होगी। अरे इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती क्या? देखो अमित, देखो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो। श्रुति दीदी मुझे अपना फोन यूज करने देती है, इसलिए मैं इसे निकाल लाया था। अब अगर तुम्हें ये बहस करनी है कि ऐसा क्यों है, तो हम वो कर सकते हैं, या फिर मैंने रास्ता देख लिया है तो हम यहां से चल सकते हैं। जॉन्टी की बात सुनकर अमित ने अपना गुस्सा निगल लिया, क्योंकि वो सही था, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन जॉन्टी ने यह नहीं सोचा कि अमित का शक बिल्कुल सही था। ऋषि ने अमित के फोन को ट्रैक करने के लिए आईटी टीम को पहले ही अलर्ट कर दिया था, और जैसे ही अमित का फोन एक्टिव हुआ आईटी टीम के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तब कावड़े दौड़ता हुआ ऋषि के कैबिन में एंटर हुआ। क्या हो गया कावड़े, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? सर फोन एक्ट। कावड़े आराम से एक गहरी सांस लो और बताओ। सर उस अमित का फोन एक्टिव हुआ था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या सिर्फ 2 मिनट के लिए? क्या हमारी आईटी टीम ने उसे ट्रैक किया? हाँ सर, आईटी टीम ने भी ट्रैक किया और फोन की लोकेशन पर कुछ कांस्टेबल ने इंक्वायरी भी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आखिरी बार उसने फोन पर एक लोकेशन सर्च की थी और मुझे लग रहा है कि वो वहीं जा रहा है। कहाँ? फूलदास नगर। फूलदास नगर का नाम सुनते ही ऋषि की आंखें चमकने लगी। उसे अपना पहला क्लू मिल गया था और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने कहा, अलर्ट ऑल द टीम्स, जितने भी कांस्टेबल्स हैं सबको बोल दो कि अपनी राइफल्स तैयार कर ले, मुझे पता है वो कहां जा रहा है, बस हमें अब अलर्ट रहना होगा, अब तुम्हारा गेम खत्म होने वाला है प्राइवेट डिटेक्टिव अमित।
जब ऋषि पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो एक बार फिर रिपोर्टर्स की नजरें उस पर गईं और वो अपने सवालों के साथ रेडी हो रहे थे। लेकिन इसके पहले कि कोई आगे आता, सबने देखा कि ऋषि के पीछे 25 कांस्टेबल्स बुलेट प्रूफ जैकेट और अपनी राइफल के साथ बाहर निकल रहे हैं। सब इस चीज को देखकर हैरान थे, पर इससे इतना क्लियर हो गया था कि ऋषि किसी मिशन पर जा रहा है। ऋषि अपनी जीप में कावड़े के साथ बैठा हुआ था और सारे कांस्टेबल्स पीछे वाली जीप्स में बैठे थे। कुछ ही देर में शहर की सड़कों पर 6 पुलिस जीप सायरन बजाकर दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब रेस लगा रहे हैं, लेकिन सबका टारगेट बस एक था और वो था फूलदास नगर। न्यूज चैनल पर इस बात को फैला दिया गया था कि ऋषि कहीं जा रहा है। जब श्रुति ने उस कवरेज को देखा तो उसे समझ आ गया था कि शायद वो अमित के पीछे ही है। उसे अमित पर गुस्सा आने लगा कि उसने श्रुति की बात नहीं मानी, लेकिन वो किसी भी तरीके से अमित को वॉर्न नहीं कर सकती थी और ये चीज उसे परेशान करने लगी। ऋषि बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी जीप में बैठा हुआ था और उसकी नजरें सामने की तरफ थी। जब जब ट्रैफिक में जीप थोड़ी स्लो होती तो उसे थोड़ा गुस्सा आता, लेकिन वो उसे बचाकर रखना चाहता था ताकि जब अमित उसके सामने आए तो वो उसका सबसे खतरनाक रूप देख सके। उसे ऐसा देखकर कावड़े के मन में एक सवाल आ रहा था। साहब, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो जो पूछना है। साहब, मैं समझता हूं कि अमित फूलदास नगर जा रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि 3 साल पहले बनी हुई वो बस्ती कितनी बड़ी है और वहां कैसे लोग रहते हैं। जितने लोग हम लेकर चल रहे हैं ना, हम पूरे दिन भी ढूंढेंगे तो वो बस्ती खत्म नहीं होगी। ऐसे में आपको कैसे पता कि अमित एग्जैक्टली कहां जा रहा है? कावड़े का सवाल सुनकर ऋषि की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। कावड़े जीप ड्राइव कर रहा था इसीलिए उसने देखा नहीं, लेकिन ऋषि के माथे पर हल्का सा पसीना आ गया था। पर फिर उसने कुछ सोचा और कहा, कैसी बातें पूछता है यार तू? हम पुलिस में हैं, हमें ही तो पता होता है कि कौन आदमी कहां है, किसके साथ है और किधर जा रहा है। ऋषि कावड़े को ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में कोई भी चेंज नहीं आया था। ऋषि को समझ आ गया था कि कावड़े ने उसके जवाब को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो कुछ और चाहता है। कावड़े, मैं तुझे एक अंदर की बात बता रहा हूं और इसको हम दोनों के बीच में ही रखना। दरअसल ना, बात यह है कि कमिश्नर सर ने मुझे उन आदमियों के बारे में मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन उन्होंने मुझे उन सब के नाम और एड्रेस पता करने के लिए बोला था और मैंने ऐसा कर लिया। अमित अभी जिसके घर पे जा रहा है वो है सत्येंद्र भाटवाड़ेकर, जो एक लोकल नेता है। तुमने जरूर उसका नाम सुना होगा, वो उन विक्टिम्स में से एक था। बस मुझे उसकी बस्ती का नंबर नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि हमें कहां जाना है। अब मिल गया तुझे तेरा जवाब? हाँ साहब, मिल गया, और आप चिंता मत करो, मैं एक किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर कावड़े स्माइल करने लगा और तब जाकर ऋषि ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसे पता है कि वो कावड़े को सच नहीं बता सकता। उसने फिर से सड़क पर नजरें टिका ली और वो अब अपने आप को तैयार करने लगा। अमित और जॉन्टी इस बात से अनजान थे कि उनके रास्ते में कोई आने वाला है। वो दोनों फूलदास नगर पहुंच गए थे और जब वो बस्ती के सामने रुके तो जॉन्टी उस बस्ती के साइज को देखकर हैरान था। यहां पर तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे पास बहुत टाइम है। हमें पता है कि सत्येंद्र कौन सी चौल में रहता है, इसलिए ढूंढने में आसानी रहेगी। आ जाओ मेरे साथ। अमित और जॉन्टी दोनों अपने रास्ते पर निकल गए। उस बस्ती की गलियां बहुत छोटी थी, जहां एक गली से दो लोगों का साथ में चल पाना बहुत ही मुश्किल था, और इसीलिए अमित आगे और जॉन्टी उसके पीछे चल रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किसी कोने पर खड़े हुए वो लोगों से एड्रेस पूछ रहे थे और कुछ ही देर में वो चौल नंबर 319 के बाहर खड़े हुए थे, जहां सत्येंद्र के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं अंदर जाता हूं।
तुम यहीं रुको और नजर रखना। अमित ने इतना कहकर आसपास देखा, फिर धीरे से चौल का दरवाजा खोलकर वो एंटर हो गया। जॉन्टी ने देखा कि चौल के सामने एक चाय की दुकान है और किसी को शक ना हो इसीलिए वो वहां जाकर बैठ गया। जब अमित अंदर गया तो वहां बहुत शांति थी। उसे लगा कि शायद वहां कोई नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसे एक औरत की आवाज आई। कौन कौन है आप? वो औरत अमित के सामने आई। दिखने में वो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी। उसके माथे पर झुर्रियां थी, मांग में सिंदूर नहीं था और आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत टाइम से रो रही थी। अमित को थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि ये सतेंद्र की वाइफ है। तब उसने अपनी हैट उतारी और कहा, मेरा नाम अमित है, अमित वर्मा। तुम वही न्यूज वाले अमित हो ना, जिसके सर पर 11 खून के इल्जाम है? कल रात सतेंद्र तुम्हारे ही घर गया था। आई एम सॉरी। देखिए, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके पति को नहीं मारा है, वो सब एक झूठ है। लेकिन एक सेकंड, आपको कैसे पता कि सतेंद्र जी मेरे घर ही गए थे? क्या आप मुझे जानती हैं? अमित ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। न्यूज में कहीं भी सतेंद्र का नाम नहीं था, तो फिर इस औरत को कैसे पता? वो यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, हाँ मैं तुम्हें जानती हूं अमित, मेरा नाम मीनाक्षी है और सत्येंद्र ने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया था। मेरे बारे में सब? आखिर यहां चल क्या रहा है? अमित मीनाक्षी की बातें सुनकर हैरान था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके रास्ते में कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि ऋषि और उसकी टीम भी फूलदास नगर पहुंच चुकी थी। जब सारे कांस्टेबल्स जीप से उतरे, तब ऋषि ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, वो इसी बस्ती के किसी चौल में छुपा हुआ है, एक एक गली सर्च करो और याद रखना कि वो बच के ना निकल पाए। अगर जरूरत पड़े तो गोली चलाने में हिचकिचाना मत और हर मोमेंट पर अपडेट देते रहना। ऋषि की बातें सुनकर सारे कांस्टेबल्स ने अपने वॉकी टॉकी और राइफल्स सेट कर लिए और दो दो के ग्रुप में चौल की गलियों में एंटर हो गए। तब ऋषि और कावड़े ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अमित अभी भी मीनाक्षी के जवाब का इंतजार कर रहा था। तब मीनाक्षी ने कहा, तुम चिंता मत करो अमित, मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट नहीं करवाऊंगी। बात दरअसल ये है कि मुझे पता था तुम आने वाले हो, क्योंकि सतेंद्र ने ही मुझे इस बारे में बताया था। सतेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ हर महीने में 2 बारी कहीं पर मीटिंग करने जाता था और ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा वो कहाँ जाता है, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पर फिर अचानक कुछ हुआ और उस रात मीटिंग में से आने के बाद उसने मुझे बताया कि वो किसी डिटेक्टिव के घर जाता है जिसका नाम अमित है। मैंने उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने मुझे कुछ बताया कि उसकी जान को खतरा है और शायद वो किसी दिन मीटिंग के लिए जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तब मैं डर गई और मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया। मैं 2 साल से हर महीने यही सोचती थी कि आज सतेंद्र वापस नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता था और मेरा डर दूर हो जाता था। पर कल रात जब वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा मेरा डर यकीन में बदलने वाला है, और वही हुआ। जब मैंने सुबह टीवी चालू की तो न्यूज़ पर मर्डर की हेडलाइन और तुम्हारा नाम देखा। मुझे सब समझ में आ गया और मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। पर आप कैसे कॉन्फिडेंट होकर कह सकती हैं कि मैं यहाँ आने वाला था? सत्येंद्र जब भी मीटिंग में जाता था तो अपने यूनियन का ही शर्ट पहनता था और उसमें उसका लोगो बना हुआ है। उसे भरोसा था कि अगर तुम एक अच्छे डिटेक्टिव हो तो उस लोगो को देखकर उस तक पहुंच जाओगे। लेकिन उनका वो आइडिया किसी काम का नहीं रहा।
मैंने उनके थ्रू आपको तो ढूंढ लिया, लेकिन अब मैं उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाऊंगा जो उनके साथ थे। नहीं अमित, तुम गलत सोच रहे हो। सत्येंद्र मरने के लिए तैयार था और इसलिए वो जान पर खतरा लेकर भी तुम्हारे घर जाता था। उसने बहुत टाइम पहले मुझे एक लेटर दिया था जो उसने तुम्हारे लिए लिखा है। उसमें तुम्हारे काम की सारी बातें हैं। मैंने उसे इस दिन के लिए ही संभाल कर रखा था। रुको, मैं उसे ढूंढती हूँ। मीनाक्षी इतना कहकर वहां से अंदर चली गई। अमित उन सारी बातों को प्रोसेस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जॉन्टी बाहर बैठा हुआ अमित का इंतजार कर रहा था, और तब उसने देखा कि चाय वाले ने न्यूज चैनल ऑन किया है। न्यूज चैनल पर ऋषि और उसकी आर्मी राइफल्स के साथ दिख रही थी, और ये देखकर जॉन्टी शॉक्ड हो गया। तब अचानक उसे अपने सामने से सेम कॉन्स्टेबल्स जाते हुए दिखे, और उसे समझ आ गया कि वो लोग यहीं पर हैं। वो तुरंत उठा और सत्येंद्र की चौल का गेट खोलकर अंदर घुस गया। जब अमित ने जॉन्टी को देखा तो वो घबरा रहा था, और उसने कहा, पुलिस, पुलिस आ गई है, हमें जल्दी से निकलना होगा। अमित उस बात को सुनकर हैरान नहीं था। उसे पता था कि यह होने वाला है। वो बस मीनाक्षी के आने का इंतजार करने लगा, और अगले ही पल मीनाक्षी आई और उसने एक एनवलप अमित को पकड़ा दिया। ये सत्येंद्र की आखिरी अमानत है, उम्मीद है तुम उसे न्याय दिलवा दोगे। मीनाक्षी की बात सुनकर अमित ने उस लेटर को जल्दी से अपने कोट में रखा और हैट पहनकर जॉन्टी के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो आगे चलने लगा और जॉन्टी उसके पीछे था। अमित को पता था अगर वो यहां काम रहेगा तो आराम से बचकर निकल जाएगा। उन दोनों ने एक टर्न लिया और देखा कि वहां दो कॉन्स्टेबल्स हैं, और उन्हें देखकर अमित ने रास्ता बदल लिया। वो थोड़ा सा आगे गया, उसने आसपास देखा, और जब कोई नहीं दिखा तो वो दौड़ने लगा। जॉन्टी ने उसे फॉलो किया। थोड़ा आगे जाकर अमित एकदम से राइट मुड़ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां एक कांस्टेबल खड़ा है, और अमित उससे टकरा गया। टकराने की वजह से कांस्टेबल की राइफल और अमित की हैट गिर गई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही उस कांस्टेबल ने अमित को आइडेंटिफाई कर लिया, और इससे पहले कि वो अपनी राइफल उठाता, अमित ने अपनी हैट उठाई और वो जल्दी से भाग गया। कांस्टेबल ने जल्दी से ऋषि को अपडेट दिया, और ऋषि अब उसकी तरफ आने लगा। कुछ गलियों में घूमने के बाद ही ऋषि को अमित और जॉन्टी भागते हुए दिख गए। वो उससे कुछ ही डिस्टेंस पर थे और पूरी जान लगा के भाग रहे थे। ऋषि ने उनका पीछा किया। धीरे धीरे करके अमित और जॉन्टी चौल से बाहर की तरफ जा रहे थे, और तब ऋषि ने देखा कि वहां एक ट्रक रिवर्स आ रहा है जो उसके और अमित के बीच में गैप बना देगा, इसीलिए उसे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यही बात सोचकर ऋषि ने अपनी गन अमित की तरफ पॉइंट की और उसे शूट कर दिया। लेकिन इतनी ही देर में वो ट्रक पूरी तरह रिवर्स आ गया था, और जब ऋषि ट्रक के आगे आया तो उसे अमित और जॉन्टी कहीं नहीं दिखे। तब उसने गुस्से में सड़क पर देखा और पाया कि वहां पर कुछ ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं। इसका मतलब यही था कि उसकी बुलेट अमित को लग गई थी, और अगर ऐसा है तो अमित ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। ऋषि अपनी जगह पर खड़ा होकर उन ब्लड ड्रॉपलेट्स को देख रहा था। उसे अपने अंदर खून उबलता हुआ महसूस करके बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने आसपास देखा, वो एक बिजी रोड पर खड़ा हुआ था जहां से लोग और गाड़ियां इधर उधर जा रहे थे, लेकिन कहीं भी अमित या जॉन्टी का नामो निशान तक नहीं था। एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन ने ऋषि को घेर लिया था। ऋषि को ऐसे देखकर लोग हैरान तो हुए, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब अचानक ऋषि के वॉकी टॉकी पर से कावड़े की आवाज आई। ऋषि सर, आप कहां हैं? जल्दी आइए, यहां बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया कावड़े साहब? आप जल्दी यहां आइए, यहां चौल नंबर 319 में। इतना कहकर कावड़े ने अपना वॉकी टॉकी बंद कर दिया, और उसके बाद ऋषि वापस से बस्ती के अंदर घुस गया।
हर एक कदम पर उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। ऋषि भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी सकरी गलियों की वजह से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। पर किसी तरह से वो चौल नंबर 319 यानी कि सतेंद्र के घर के सामने पहुंच गया था। सारे कांस्टेबल्स वहां खड़े हुए थे और साथ ही कुछ लोग भी थे जो बातें कर रहे थे। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तब कावड़े सतेंद्र की चौल में से बाहर आया और उसने ऋषि को इशारा करके चौल के अंदर बुलाया। ऋषि बिना कुछ रिएक्ट किए अंदर चला गया। अंदर जाते ही ऋषि ने देखा कि मीनाक्षी पंखे के सहारे हवा में लटकी हुई है। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर आ गई थी और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसे देखकर ऋषि दंग रह गया। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन हवा में उड़ गया। तुमने एम्बुलेंस को बुलाया? मतलब नहीं है साहब, सांस रुक चुकी है और धड़कन भी। ऋषि बस मीनाक्षी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और गिल्ट दोनों था, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, पोस्टमार्टम शुरू करो, और अगर शहर के किसी भी हॉस्पिटल में कोई बुलेट वुंड ठीक करवाने के लिए जाए मुझे जरूर बताना, और सब पर नजर रखो। बाहर लोगों से पूछताछ करो, किसी ने भी अमित के बारे में सुना हो तो पता करो। ठीक है साहब। ऋषि की बात सुनकर कावड़े बाहर जा रहा था। उसने अपना फोन निकाल लिया था, तब ऋषि ने उससे कहा, और हाँ मीडिया को भी बुलाओ। मीडिया? हाँ मीडिया, सच बताने का टाइम आ गया है। कावड़े को ऋषि की आवाज में डेडिकेशन समझ आ रहा था, और इसीलिए वो बिना कुछ सवाल किए वहां से बाहर निकल गया। उसने तुरंत ही सबको फोन लगा दिया और सबका इंतजार करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं कावड़े के मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर अमित कहां है। अमित और जॉन्टी अभी भी सड़क पर भाग रहे थे। वो बिजी रोड के फुटपाथ पर पीछे पलट कर नहीं देख रहे थे। उन्हें डर था कि शायद ऋषि उनके पीछे है, इसीलिए वो रुकना नहीं चाह रहे थे। और तब अमित को एक गली दिखी जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी और वहां वो छुप सकता था। वो अंदर घुसा और जॉन्टी भी उसके पीछे चल दिया। वहां रुककर अमित गहरी सांस लेने लगा। पुलिस के साथ इतना क्लोज एनकाउंटर उसने आज तक नहीं किया था, और ऐसे में उसका डर यकीन में बदल गया था। पर वो इस चीज को समझकर बच गया कि वो अभी भी जिंदा है। तब उसने पलटकर जॉन्टी की तरफ देखा। वो नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। जॉन्टी के लेफ्ट हैंड में बुलेट लगी हुई थी और वहां से लगातार खून बह रहा था। तब अमित अपने घुटने पर बैठा और उसने उस वुंड को टच किया। उसके छूते ही जॉन्टी दर्द में चिल्लाया, क्या क्या कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये कब हुआ? कैसे हुआ? अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? ये तब हुआ जब हम भाग रहे थे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही हुई कि मैंने तुम्हें यहां आने के लिए हाँ कह दिया। तुम तो पीछे पलट ही नहीं रहे थे। उस पुलिस ऑफिसर ने कब फायर कर दिया तुम्हें ध्यान ही नहीं होगा, लेकिन मुझे पता चला, और इससे पहले कि मैं मर जाऊं मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। नहीं जॉन्टी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? और क्या पॉसिबल नहीं है? मेरा हॉस्पिटल जाना या मेरा मर जाना? हमारा हॉस्पिटल जाना। देखो, पुलिस को खबर है कि किसी को गोली लगी है, और वो सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर देगी। बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कोई हॉस्पिटल हमें अंदर तक नहीं घुसने देगा। तो मतलब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं और मैं मरने वाला हूं? जॉन्टी की बात सुनकर अमित हंसते हुए खड़ा हुआ। उसने अपने कोट को थोड़ा सा फाड़ा और उसकी एक पट्टी जॉन्टी के हाथ पर लपेटने लगा। तुम नहीं मरोगे जॉन्टी, एक गोली से कुछ नहीं होता, बस थोड़े टाइम की बात है। जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा होगा सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। अपनी बात कंप्लीट करते ही अमित ने पट्टी को टाइटली बांध दिया। ब्लड अब पट्टी पर दिखने लगा था, और अमित तब नीचे जमीन पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे गिल्ट ने एक बार फिर घेर लिया था। मैं कहां से कहां आ गया हूं, मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता। मानो कल की ही बात थी जब
जब मैंने पहले केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी, उसके बाद न जाने कितनी सारी चीजें हो गई और मैं आज यहां बैठा हूं। ओ गॉड। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों लिया था तुमने वो पहला केस? जॉन्टी का सवाल सुनकर अमित उसकी तरफ मुड़ा। उसे लगा था कि वो ये बात अपने मन में कह रहा है, पर अब जॉन्टी ने उसे सुन लिया था तो वो उसे एस्केप नहीं कर सकता था। जॉन्टी क्यूरियसली उसकी तरफ देख रहा था। बात दरअसल 8 साल पहले की है। मेरे पापा, मेरी पत्नी अंबिका और 3 साल का बेटा आरफ अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे, सब सही चल रहा था। लेकिन एक दिन आरव अचानक से नीचे गिर गया और जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उसे नर्वस डिसऑर्डर बताया गया। उसके ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली 12 लाख रुपए चाहिए थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगा आई हैव लॉस्ट माय सन। लेकिन एक दिन मैंने पेपर में न्यूज पढ़ी कि हमारे शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की वाइफ का डायमंड नेकलेस चोरी हो गया और जो भी उसे ढूंढेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और मेरा दिमाग बचपन से ही क्लूज ढूंढने में, पजल्स को सॉल्व करने में और चीजों को ऑब्जर्व करने में बहुत तेज था। और आरव का केस कंसिडर करके मैंने बस इस टास्क को करने के बारे में सोचा। मैंने 2 दिन में ही फिगर आउट कर लिया था कि चोर एक बूढ़ी सर्वेंट थी जो अपनी बहू को गिफ्ट देना चाहती थी। मुझे मेरे पैसे मिल गए और आरव का ट्रीटमेंट हो गया। पर आई थिंक आरव उस टाइम मर जाता तो अच्छा होता। और तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो? एक दिन अंबिका आरव के साथ मार्केट से कार में घर वापस आ रही थी, तब अचानक सिग्नल पर एक आदमी उसकी कार में एंटर हुआ और उसने उन दोनों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। वो उन दोनों को शहर के ब्रिज के पास लेकर गया जिसके नीचे से नदी बहती थी। वहां जाकर उसने मेरी पत्नी को पुलिस, मीडिया और मुझे फोन लगाने के लिए कहा। 15 मिनट में ही सब वहां पहुंच गए। मैंने देखा कि उस आदमी ने आरव को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और उसके सर पर गन पॉइंटेड थी। उसने बताया कि वो उसी सर्वेंट का बेटा है और जेल के अंदर उसकी मां ने सुसाइड कर लिया है और यह सब मेरी वजह से हुआ था, इसलिए वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने अपना जैकेट उतारा जहां उसने डायनामाइट लगाया हुआ था और वो खुद को, आरव को और अंबिका को ब्लास्ट करने के इरादे से वहां आया था। लेकिन अगले ही पल अंबिका को आरव की चिंता हुई और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक वो आदमी पीछे हो गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया। उसने हवा में ही डायनामाइट का बटन दबा दिया और वहीं ब्लास्ट हो गया। उस इंसिडेंट की वजह से आरव की डेथ हो गई और उसका ब्लेम मुझ पर आ गया। और अंबिका का क्या हुआ? ब्लास्ट के करीब होने की वजह से उसके चेहरे पर सेकंड डिग्री बर्न के निशान रह गए, जो उसे रोज आरव के बारे में याद दिलाते थे। वो हर दिन मुझे ब्लेम करती और हमारी लड़ाई होने लगती, चीजें बिगड़ने लगी और उसका बस यही एंड था कि हम दोनों में से किसी एक को अपनी लाइफ बदल ली थी। तब मेरे पापा आ गया है और उन्होंने डिसीजन लेते हुए मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी पलट कर नहीं देखा और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं शहर में आया। उसके बाद की स्टोरी तुम्हें श्रुति बता ही चुकी है, सब कुछ वहीं खत्म हो गया। लेकिन अंबिका ने तुम्हारी बात समझी क्यों नहीं? वो भी तो वहीं थी, उसे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। इतना आसान नहीं है जॉन्टी। जब आप किसी के साथ बहुत टाइम तक रहते हो और उनके इमोशंस की केयर नहीं करते ना, तो सब खराब होने लगता है। और वही हुआ, उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। और यही रीजन है कि मैं हर केस के बाद अपनी लाइफ में पीस ढूंढता हूं पर वो मुझे कहीं नहीं मिल पाता। मेरे सर पर पहले ही एक खून का इल्जाम है और मैं इन 11 लोगों को उसमें ऐड नहीं कर सकता, इसीलिए यह केस सॉल्व करना जरूरी है। अमित इतना कहकर चुप हो गया था और जॉन्टी ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों शांति में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई। दूसरी ओर
कावड़े ने मीडिया को बुला लिया था और सारे रिपोर्टर्स अपने सवालों के साथ फूलदास नगर पहुंच गए थे। सबके मन में यही सवाल था कि ऋषि ने उन्हें यहां क्यों बुलाया है। और तभी ऋषि सत्येंद्र की चौल में से फाइनली बाहर आया। उसके बाहर आते ही हर डायरेक्शन में से उस पर सवालों ने हमला कर दिया। उसे कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही समझ आ रहा था। तब उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसे देखकर सब शांत हो गए। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस एक बार आप लोग मेरी वो बात सुन लीजिए जिसके लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। कुछ देर पहले हमारे आईटी सेल ने अमित वर्मा के फोन को इस बस्ती में ट्रैक किया था और इसीलिए मैं अपनी पूरी टीम को लेकर यहां आया था। हमने अमित को ढूंढ लिया था, बट वो हमारे चंगुल से भाग निकला। उसके यहां आने का मकसद पहले तो क्लियर नहीं था, लेकिन फिर जल्द ही हमें यहां एक डेड बॉडी मिली। ये डेड बॉडी है मीनाक्षी भटवाड़ेकर की, और हमारे फॉरेंसिक टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि उनका मर्डर गला दबाने से हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अमित ने ही इनका मर्डर किया है। हमने अमित के बारे में जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि ऐसे ही सेम पैटर्न्स में पिछले कई सालों में बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुई हैं। सर के सेंटर में गोली लगी होती है या फिर चोक किया जाता है, और इससे ये क्लैरिफाई हो गया है कि अमित वर्मा डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। इस बात को सुनते ही सब रिपोर्टर्स के बीच में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई। सारे रिपोर्टर्स ऋषि से सवाल पूछने लगे, लेकिन ऋषि ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की, इसीलिए उसने हाथ उठाया और सब फिर से शांत हो गए। आप लोग प्लीज थोड़ी शांति रखिए, और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सब अपने चैनल्स पर जहां भी इस बात को फैला रहे हैं कि अमित एक डिटेक्टिव है, उस कवरेज को रोक दीजिए और किसी भी स्टोरी पर विश्वास मत कीजिए। आप सब लोग जो घर से इस कवरेज को देख रहे हैं, अटेंटिव रहिए, और अगर अमित जैसा कोई भी शख्स आपको दिखता है या किसी पर भी आपका शक है तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। याद रखिए, अमित एक सीरियल किलर है और अब हमारे पास उसके खिलाफ 12 मर्डर्स के लिए अरेस्ट वारंट और शूट एट साइट के ऑर्डर्स है। चाहे कोई भी उसकी मदद क्यों ना करे, अब अमित को कोई नहीं बचा सकता। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस बात का दिलासा कि सब कुछ जल्दी ही सही होने वाला है बस एक झूठ बनकर रह गया है, और अब लगता है कि चीजें सही हो ही नहीं सकती। जिस मर्डरर के सर पर 11 खून थे, आज सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता ने उसे एक सीरियल किलर घोषित कर दिया है, और अभी के लिए वो 12 मौतों का जिम्मेदार है। लेकिन अभी भी अमित मिसिंग है, और पुलिस की इस लापरवाही का नतीजा एक औरत को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। आखिर कब खत्म होगा ये सिलसिला? ये सवाल है आपसे, पुलिस डिपार्टमेंट से और अमित से। कब रोकोगे तुम ये दहशत जो तुमने फैला रखी है? क्या इसका कोई अंत है भी या नहीं? क्या हम सब अब सुरक्षित है भी या नहीं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सत्येंद्र की चौल के बाहर खड़े न्यूज रिपोर्टर्स इसी खबर को अपने अपने चैनल्स पर अलग अलग तरीके से चला रहे थे। सबके मन के सवाल अब एक जैसे बन रहे थे, और तब ऋषि इन सबको देखकर स्माइल कर रहा था। उसे पता था कि भले ही वो पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही का एक जरिया है, पर इससे सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को होने वाला था। और वो कैसे? ये बात शायद किसी को नहीं पता थी, जैसे किसी को ये नहीं पता था कि अमित अभी कहां है। अमित और जॉन्टी अब भी उस गली में शांत बैठे थे। उन्हें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया अमित को किस तरह से देख रही है। अमित बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जहां उसे फिर से अंबिका और आरव की याद सता रही थी, और वो इस बार उनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तब जॉन्टी ने उसे देखा और वो समझ गया कि यहां क्या चल रहा है। तुम्हें सतेंद्र के घर से क्या मिला? क्या वहां जाना वर्थ रहा? अमित अपने ख्यालों में से बाहर आया
और तब उसने अपने कोट की पॉकेट में हाथ डालकर सत्येंद्र के लेटर को निकाला। सत्येंद्र भले ही बस्ती में रहता था लेकिन वो एक पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी था। उसे पता था कि मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उसने पहले ही मेरे लिए एक लेटर लिखा और वही लेटर उसकी वाइफ मीनाक्षी ने मुझे दिया था। अमित जी, अगर आप ये लेटर पढ़ रहे हैं तो शायद मैं अब तक मर चुका हूं। वो कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, ये शायद मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लेटर आप तक पहुंचा है तो मेरा मर्डर एक मिस्ट्री होगा और आप उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ये लेटर आपको इस केस को सॉल्व करने के थोड़ा करीब ले आएगा। तो बात दरअसल ये है अमित जी कि मैं और मेरे कुछ दोस्त पिछले 3 साल से आपके घर पर महीने में 2 बार मीटिंग करते आ रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो हमारे स्टेट या फिर शहर में छोटे यूनियन, कम्युनिटी या किसी वर्क फोर्स के लीडर्स हैं। हम सब का मकसद सिर्फ अपनी कम्युनिटी के विकास और सरकार तक उनकी बात पहुंचाना है और इसके बारे में ही हम हर बार बात करते हैं। हम सब साथ में काम करते हैं ताकि चीजें बिना किसी गड़बड़ के अच्छे तरीके से हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका ही घर क्यों, तो उसका जवाब सीधा है, क्योंकि सरकार हमारे पीछे लगी है। कई बार हम लोगों पर हमले हुए हैं, कई बार हम जेल गए हैं और कई बार तो हमारे घर वालों को भी परेशान किया गया है। जब ऐसी बहुत सारी वारदातें बढ़ गई थीं, तब हम सब ने फैसला लिया था हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हम सब से छुप कर मिल सकें और हमारे इस काम को आगे बढ़ा सकें। फिर एक दिन हमारे एक साथी ने आपका घर देखा। वो उसे बहुत टाइम से सर्वे कर रहा था और जब उसे ये विश्वास हो गया कि उस घर का मालिक वहां नहीं रहता है, तब हमने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। हमने आपके घर के ताले की चाबी बनवा ली और फिर हम वहां मिलने लगे। लेकिन हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं ताकि आपको कभी शक ना हो कि वहां कोई था। हम बस रात में वहां मिलते और सुबह होने के पहले वापस अपने अपने काम पर चले जाते। अमित ने लेटर को टर्न किया। वो 4 पेजेस का लेटर था। जॉन्टी भी उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे हमेशा से इस चीज में दिलचस्पी थी कि आखिर ये घर किसका है, वो आदमी कहाँ है और क्या करता है। तब इन सवालों के जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की और किसी तरह से मुझे ये पता चल गया कि ये घर आपका है, आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। और तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं किसी गलत जगह पर नहीं हूँ। पर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। उस रात जब हम मीटिंग करने के लिए पहुंचे, तब हमारा एक साथी वहां नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो कहां है, लेकिन इतनी ही देर में वो डरा हुआ आया और उसने बताया कि किसी तरह सरकार को इस चीज के बारे में पता चल गया है कि हम कहां मिलते हैं और जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। हम सब में बहुत बहस हुई कि हमें अब नहीं मिलना चाहिए और इस चीज को यहीं खत्म कर देना चाहिए। पर फिर हमने वोटिंग की और ये नतीजा निकला कि चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं, हम मीटिंग्स नहीं रोक सकते। और यही हुआ, हम फिर से मिलने लगे। सब लोग डरते हैं लेकिन वो फिर भी जरूर आते हैं। पर मुझे सबके चेहरे के भाव देखकर समझ आ रहा है कि एक दिन शायद वो यहां नहीं आ पाएंगे, या फिर आ भी जाएंगे तो यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे। और इसलिए आज मैं ये लेटर लिख रहा हूं। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि आप एक डिटेक्टिव हैं और इसलिए मैंने ये लेटर आपको लिखा। मुझे यकीन है कि आपके घर के अंदर अगर मैं मरा हुआ मिला तो कहीं ना कहीं आप इसको लेकर बेचैन रहेंगे कि ये सब कैसे हुआ, और जरूर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मीनाक्षी डरती है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, पर मुझे विश्वास है कि जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो उसे जरूर बता देंगे कि मैं क्या करता हूं या क्या करता था। कहने के लिए और भी बहुत बातें थीं, लेकिन मैं यहां लिख नहीं सकता। बस पीछे की तरफ अपने साथ साथ अपने साथियों के नाम लिख रहा हूं। आप उन्हें देखिएगा और अगर मेरे अलावा कोई भी जिंदा मिले तो उसे अच्छे से बात करके और सारी बातों को समझा कर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
सत्येंद्र भटवाड़ेकर। लेटर खत्म करते ही अमित ने उसे टर्न किया और वहां लिखे सारे नाम को वो अपने मन में पढ़ने लगा। लेकिन एक चीज ने उसे बड़ा हैरान कर दिया, यहां तो 12 नाम लिखे हुए हैं और मैंने तो अपने घर पर सिर्फ 11 लोगों को ही देखा था। इसका मतलब एक आदमी जिंदा है। अमित इस चीज को सोचकर हैरान था। उसके लिए सबसे बड़ा क्लू ही ये था कि उन सब में से एक आदमी जिंदा है और शायद उसे पता होगा कि किसने उसके साथियों का मर्डर किया है। ये केस अब सुलझ रहा था और उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा था। तब जॉन्टी ने अमित के हाथ में से वो लेटर लिया और उस लिस्ट की तरफ देखने लगा। अब मुझे समझ में आया, उस दिन जब वो आदमी मेरे कमरे में आया था तो उसके गन में एक ही बुलेट क्यों थी? वो गिनकर आया था, 12 लोगों के लिए 12 गोलियां, और इसीलिए जब उसने मुझ पर फायर किया तो एक गोली के बाद ही उसकी गन यूजलेस हो गई। पर अगर वो उन लोगों को मारने आया था तो फिर उसने मुझ पर गोली क्यों चलाई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सत्येंद्र के अलावा इन 11 नामों में से हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा आदमी कौन है, और क्या वो हमारे काम का है भी या नहीं? वो 100% हमारे काम का है। वो आदमी सारी न्यूज कवरेज देख रहा होगा, हर चीज को देखकर उसको एनालाइज कर रहा होगा, लेकिन वो मेरा इंतजार भी कर रहा होगा। उसे शायद पता होगा कि मैं उस तक पहुंचने वाला हूं और इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना पड़ेगा। रही बात उसके नाम से उसे ढूंढने की, तो अब हमें वापस श्रुति के घर जाना होगा। पर हमारी बाइक तो बस्ती के बाहर ही रह गई और यहां से घर बहुत दूर है। हाँ मुझे पता है, हमें यहां से पैदल ही चलकर जाना होगा। सूरज ढल रहा है, हम धीरे धीरे चलेंगे तो अंधेरा होते ही श्रुति के घर पहुंच जाएंगे ताकि हमें कोई देख ना पाए, और फिर वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पहले सोच रहा था कि मैंने तुम्हें हाँ बोलकर और तुम्हारे साथ यहाँ आकर गलती कर दी, पर अब मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ, चलो। इतनी बात कहकर जॉन्टी खड़ा हुआ और अमित के साथ उस गली से बाहर निकल गया। अमित अपने चेहरे को नीचे झुकाकर या उस पर हाथ रखकर आगे बढ़ रहा था और वहीं जॉन्टी आसपास बस पुलिस को देख रहा था। कहीं ना कहीं अब भी उसके मन में पुलिस का डर था। पर धीरे धीरे चलते हुए वो दोनों एक घंटे में श्रुति के घर पहुंच गए। जब डोरबेल रिंग हुई तब श्रुति ने जल्दी से गेट खोला। अमित और जॉन्टी बिना टाइम वेस्ट किए अंदर घुस गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, और तब श्रुति उन्हें देखकर हैरान थी। कहां कहां थे तुम अमित? क्या हो रहा है यहाँ? ये जॉन्टी को चोट कैसे लग गई है और तुमने अब किस औरत का मर्डर कर दिया? मर्डर? कौन सी औरत का मर्डर? क्या बोल रही हो तुम? अमित के सवाल को सुनकर श्रुति ने तुरंत टीवी ऑन किया। वहां पर अब भी अमित के सीरियल किलर होने की न्यूज चल रही थी। अमित हैरान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और फिर उसने ऋषि का वो इंटरव्यू सुना। ये सबका सब झूठ है, ये लोग मुझसे चाहते क्या है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मीनाक्षी है सत्येंद्र की वाइफ, इसे मैंने नहीं मारा है। जब मैं वहां से निकला था तब तक ये जिंदा थी, फिर ये क्या हो गया? कौन सत्येंद्र कौन मीनाक्षी, इस बार कौन सी स्टोरी सोचकर आए हो तुम अमित? ये स्टोरी नहीं है श्रुति, ये सच है। अमित ने श्रुति को घर से निकलने के बाद वाले सारे इंसिडेंट बताए कि किस तरह उसे सत्येंद्र का एड्रेस मिला, कैसे वो वहां जाकर मीनाक्षी से मिला, मीनाक्षी ने उसे क्या क्या बताया, और फिर पुलिस चेस। बीच बीच में जॉन्टी भी स्टोरी को कंफर्म कर रहा था। श्रुति का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और तब अमित ने श्रुति को सत्येंद्र का लेटर पकड़ाया जिसे वो ध्यान से पढ़ने लगी। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। हाँ श्रुति, चांस है, लेकिन अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं है। मुझे सीरियल किलर डिक्लेयर कर दिया और अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मुझे किसी भी तरह इन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और चाहे कुछ भी हो सत्येंद्र को भी मत छोड़ना। ये केस अब मेरी लाइफ से भी बड़ा है, ये अब उन सारे लोगों के जस्टिस के लिए है। लेकिन ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अमित। सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे सर्वर को टेम्पररी हैक करना पड़ेगा और फिर ही चीजें सर्च हो पाएंगी।
तुम्हें जो करना है करो श्रुति, बस ये काम हो जाना चाहिए। और तुम जॉन्टी का ध्यान रखना। ध्यान रखना मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? सिचुएशंस और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं और तुम चीजों को बड़े लाइटली तरीके से हैंडल कर रहे हो अमित। ऐसे में बाहर जाना सही नहीं रहेगा। अगर आज तुम सत्येंद्र के यहाँ नहीं जाते तो ये सब कभी होता ही नहीं। मैंने कहा था तुमसे यहाँ से भाग जाओ, लेकिन आई नो श्रुति कि तुमने क्या कहा था और क्या नहीं, पर मैं अब चीजों को कंट्रोल करना जानता हूँ और मुझे बस एक काम करना है। तुम बस अपने काम पर लगो और जॉन्टी तुम भी श्रुति की हेल्प करो। अमित अपनी बात कहकर जल्दी से घर से बाहर निकल गया। श्रुति और जॉन्टी दोनों ही कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आया कि अमित कहां गया है। तब अमित घर से निकलकर धीरे धीरे चलता हुआ एक मार्केट में पहुंचा, जहां साइड में रुकते हुए उसने अपना फोन निकाला और उसे ऑन करते हुए एक नंबर डायल किया। जब रिंग जा रही थी तब उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि उसे यह कदम अब उठाना ही पड़ेगा। और तभी फोन आंसर हुआ। हेलो, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता, मैं अमित वर्मा बोल रहा हूं। जब ऋषि बस्ती में खड़ा सारे रिपोर्टर्स की खबरों को सुन रहा था, तब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। रिपोर्टर्स उसकी बुराई कर रहे थे कि ऋषि की वजह से ही मीनाक्षी की मौत हुई है और अमित भी अभी तक उसकी लापरवाही से ही फरार है, लेकिन इन सारी चीजों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मन में कुछ और चल रहा था जो कोई जान नहीं सकता था। तब कुछ देर में ही फॉरेंसिक टीम ने मीनाक्षी की लाश को चौल में से बाहर निकाला और ऋषि अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। जिस रास्ते से वो निकलता वहां लोग अपनी नजर फेर लेते और उसके पीठ पीछे बातें करते रहते। ऋषि की स्माइल धीरे धीरे करके गायब हो रही थी और तब कावड़े उसे देख रहा था। जीप में बैठकर जब उसकी टीम निकली तब ऋषि वैसे ही बेचैनी से बैठा हुआ था। सर, एक बात समझ में नहीं आई। आपने देखा था कि मीनाक्षी ने सुसाइड किया, लेकिन फिर भी आपने उसको अमित पर क्यों ढोल दिया? क्या ये गलत नहीं है? तुम चुप रहो कावड़े, क्या गलत है और क्या सही ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सड़क पर ध्यान दो। कावड़े ऋषि के जवाब को सुनकर हैरान था। उसे लगा था कि ऋषि सुबह की तरह ही उसे अच्छे से जवाब देगा, पर कावड़े की उम्मीदों का सूरज दिन के खत्म होते ही ढल गया और कुछ ही देर में सब के सब पुलिस स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन में घुसते ही ऋषि सीधे अपने कैबिन में गया और कावड़े ने उसे फॉलो किया। ऋषि परेशान दिख रहा था, पर कावड़े कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने एक बार ऋषि से पूछने के बारे में सोचा, लेकिन इतनी ही देर में ऋषि का फोन बजा और उसने बिना फोन को देखे ही उसे पिक कर लिया। हेलो, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता, मैं अमित वर्मा बोल रहा हूं। इस आवाज को सुनते ही ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फोन की तरफ हैरानी से देखा। कॉलर आईडी में अमित का नाम आ रहा था। तब उसने जल्दी से कावड़े की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि कावड़े को उस कॉल को ट्रेस करना है। कावड़े ऋषि का इशारा देखकर जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। तब ऋषि ने कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए फोन को स्पीकर पर स्विच कर दिया। तू सच में अमित बोल रहा है या मेरे मजे लेने के लिए कॉल किया है और अमित बनकर बात कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तुम बहुत जल्दी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हो ऋषि। थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अमित हूं। अच्छा, तो अब एक भगोड़ा सीरियल किलर मुझे बताएगा कि मुझे कैसे चीजों को समझना चाहिए। 2 दिन से तेरे चेले फोन लगाकर ज्ञान दे रहे थे, अब तूने खुद लगा दिया। सब बकवास करते हैं। मैं बकवास नहीं करता। बकवास तो तुमने आज सबके सामने की है। जिस औरत को मैंने टच तक नहीं किया, पहले मुझे उसका मर्डरर बना दिया और फिर डायरेक्ट सीरियल किलर। अच्छी कहानी बनाई है, लेकिन यही आज के दिन की सबसे बड़ी बकवास है। पर शायद हम दोनों को पता है कि सच क्या है और मीनाक्षी को किसने मारा है। अच्छा, तो तू कह रहा है कि मैंने उसे मारा? पुलिस को अपनी गलती के लिए ब्लेम कर रहा है?
मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसी गलती करूंगा। पर जिस तरह से तुम बोल रहे हो उससे तो इतना साफ हो गया है कि मीनाक्षी को मैंने नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा था तूने, उसने खुद सुसाइड की थी। अब बता कैसे प्रूव करेगा इस बात को? सबूत क्या है तेरे पास? भले तू ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हो और मीनाक्षी के खून के लिए बच भी जाए, लेकिन उन 11 लोगों का क्या जो तेरे घर में मिले? उसका सबूत कहाँ है कि उन्हें तूने नहीं मारा? बस वही तो दिक्कत है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने उन्हें खुद मारा या नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे ये साबित हो सकता है कि उन लोगों को पता था कि वो मरने वाले हैं। चीज? कैसी चीज? तुमने अपने आप को भले ही इतना इंटेलिजेंट मान लिया कि तुम उन लोगों के नाम रिलीज नहीं करोगे ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए, पर तुम भूल गए कि मैं एक डिटेक्टिव हूं और मेरा काम ही सारी चीजें सॉल्व करना है जो पुलिस नहीं कर पाती। मैंने उन लोगों में से एक को ढूंढ लिया है और इसीलिए मैं आज फूलदास नगर गया था। सत्येंद्र को कैसे जानता था तू? सच सच बता, क्या कनेक्शन है तेरा उससे? क्या तूने उसके साथ मिलकर उन सबको मारा है? ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मरने वाले में से एक का नाम सत्येंद्र था। मुझे तुम्हें पूरी बात नहीं बतानी पड़ेगी, पर अब जब तुम्हें पता है तो ये बात भी सुन लो कि मैंने ये कॉल तुम्हारे सामने एक डील रखने के लिए किया है। डील? कैसी डील? वही जैसे हर बार फिल्मों में बताते हैं, ऐसी डील जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। और वो कैसे? चलो पहले तुम्हारे फायदे की बात करते हैं। न्यूज में तुम्हें ही मेरे भागने और मीनाक्षी के मरने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। हर तरफ पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ रही हैं और सब तुम्हारी वजह से। इसका मतलब यही है कि आज या कल जब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे तब तुम्हें या तो सस्पेंड कर देंगे या फिर तुम्हारा ट्रांसफर स्टेट के किसी कोने में कर देंगे और वहां तुमसे गधों जैसे काम करवाएंगे जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मेरी डील में यही है कि तुम मेरी बात को मानोगे और इन सारी चीजों से बच जाओगे, फिर हर तरफ तुम्हारा नाम होगा और हुआ तो प्रमोशन भी मिल जाएगा। ज्यादा बकवास मत कर, सीधे मुद्दे की बात कर। क्या चाहिए तुझे? मेरी आजादी, और उसका जरिया है एक लेटर। लेटर? कौन सा लेटर? वो लेटर जो सतेंद्र ने मेरे लिए लिखा था और जो मीनाक्षी ने मुझे मरने से पहले दिया था। उस लेटर में सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह सतेंद्र और उसके दोस्त मेरे घर पर मिलते थे, वो कौन थे, वो वहां क्या करते थे, महीने में कितनी बार मिलते थे, और ये भी कि उन सबको पता था कि उन्हें कोई मारने वाला है। ये बात सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वो सब मरने के लिए भी तैयार थे, पर बस जिसने उन्हें मारा उसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत दिन चुन लिया, क्योंकि मैं घर पर था और मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही रहूंगा। तुम चाहे मुझे कितना भी बदनाम कर दो। ऋषि अमित की बात सुनकर हैरान था। उसे अमित बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, पर ऋषि को अच्छे से पता था कि वो उसे ये शो नहीं कर सकता। वो जवाब देने ही वाला था कि इतनी देर में कावड़े आ गया और ऋषि को उसका चेहरा देखकर समझ आ गया कि अमित का फोन ट्रेस हो गया है। कावड़े आगे चलने लगा और ऋषि उसे फॉलो करते हुए जीप में बैठ गया। और इन सब से तुझे क्या मिलेगा? वही जो मैंने कहा, मेरी आजादी, उसके साथ मेरी रेपुटेशन, जो तुमने मुझे सीरियल किलर बोलकर जनता के सामने उछाल के रख दी है। और तुझे लगता है कि मैं या फिर इस दुनिया का कोई भी इंसान तेरी बात बस एक लेटर से मान जाएगा? हाँ, ये तो है कि लेटर से तो नहीं मानेगा, लेकिन जब उनके सामने एक आदमी बैठेगा जो बताएगा कि वो भी उस मीटिंग का हिस्सा था, तब तो सब मानेंगे ना। मतलब? मतलब ये ऋषि कि मेरे घर पर उस दिन 12 लोगों को आना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वहां पर सिर्फ 11 लोग ही आए और सबके सब मर गए। उन सब में से एक आदमी जिंदा है और मेरे पास उन सब के नाम है जो तुमने पब्लिश नहीं किए हैं, पर सतेंद्र मेरे लिए छोड़कर गया था। तुम अगर मेरी डील को एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो भी मैं उस आदमी को ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, तब तुम्हारा फायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले फोन लगाया। लेटर के साथ साथ अपना प्रमोशन भी ले लो और मुझे मेरी आजादी दे दो, बस इतनी सी बात है। ऋषि की आंखें चौड़ी हो गई। वो सामने चलती हुई सड़क को देख रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अमित सच कह रहा था या झूठ?
वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपना जवाब देना था। मुझे तेरी आधी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे पता है नहीं होगा, आखिर तुम भी तो बंधे हुए हो, जैसे उर्मिला आंटी अपने कुत्ते को बांध कर रखती है। ए, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, तू एक सब इंस्पेक्टर से बात कर रहा है तू, समझा? बहुत मेहनत लगती है यहां तक आने में, तू जैसा दो कौड़ी का डिटेक्टिव क्या समझेगा इस बात को? मैं खुद कहता हूं कि मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि जो सरकार लोगों के काम नहीं आ सकती तो फिर उसका नौकर बनने से कुछ मतलब नहीं है। सत्येंद्र और उसके साथी मेरे घर पर पार्टी करने नहीं आते थे, वो ऐसी चीजों पर बात करते थे जो उनके लोगों के भले के लिए थी, जो सरकार नहीं करती थी, और इसीलिए उन सबको किसी ने मरवा दिया। ये सारा सिस्टम एक नाली की तरह है जो गटर बनता जा रहा है, और इसमें तेरे जैसे सब इंस्पेक्टर सुअर जैसे दिन ब दिन पड़े रहते हैं। बहुत बोल लिया तू, अब तेरा गेम खत्म होने वाला है, तू बस जहां है वहां दो मिनट रुक जा। आज दोपहर में तो मेरा निशाना ढंग से लग नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक तू। कावड़े ने जीप रोक दी, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। तब ऋषि ने अपनी गन को निकालकर उसे लोड कर लिया और वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही ऋषि ने देखा कि वो शहर के सबसे बिजी मार्केट में खड़ा हुआ था, जहां इतनी भीड़ रहती थी कि ढंग से लोग चल भी नहीं पाते थे। तू बार बार भूल जाता है कि मैं एक डिटेक्टिव पहले हूं और तेरी स्टोरी का मर्डरर बाद में। इतनी अक्कल मुझ में है कि तू कॉल ट्रेस करेगा। अब आ ही गया है यहां तक तो पकड़ के बता मुझे, मैं भी देखता हूं कि मुझे ढूंढने के चक्कर में तू कितने लोगों को गोली मारने के लिए तैयार है। आ जा। इतना कहकर अमित ने फोन कट कर दिया और तुरंत ही उसे ऑफ कर लिया। ऋषि बस अपनी जगह खड़ा होकर गुस्से में सारे लोगों को देख रहा था जो उस मार्केट में अंदर जा रहे थे या बाहर आ रहे थे। तब उसे बहुत गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाया। वहीं दूसरी ओर अमित फोन बंद करके भीड़ के रास्ते होते हुए वहां से बाहर निकल गया और फिर छुपते हुए श्रुति के घर में घुसा। जॉन्टी के हाथ पर अब प्रॉपर ड्रेसिंग हो गई थी और वहां खून भी नहीं दिख रहा था। वो श्रुति के लैपटॉप के आगे बैठा था और श्रुति किचन में थी। किसी के बारे में कुछ पता चला? हाँ, 11 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन एक आदमी के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। नो कमर्शियल रिकॉर्ड, नो फिंगरप्रिंट्स, नो फोटो, नो सोशल मीडिया अकाउंट, यहां तक कि आधार कार्ड भी नहीं है। ये पूरी तरह से दुनिया से ही गायब है। शायद सत्येंद्र ने हमें गलत नाम दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्येंद्र को ऐसे करना होता तो वो पहले ही मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकालता। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि उस आदमी ने सत्येंद्र को गलत नाम बताया था। नाम क्या है उसका? आनंद मुनि। तो अब हम क्या करें? वही जो करना चाहिए। इन सब के नाम, फोटो और ये इंफॉर्मेशन कि ये किस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं प्रेस में रिलीज कर दो। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और उस आदमी का क्या जो जिंदा है? क्या हमें उसे ढूंढना है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि वो हमें मिलेगा। अगर ये वही आदमी है जिसने अपना नाम गलत बताया था तो वो कभी आगे नहीं आएगा। जो भी मैंने अभी तक किया है उस सब का अब कुछ भी मतलब नहीं है। वो आदमी मेरा इंतजार भी नहीं कर रहा होगा। ये केस शायद अब कभी सॉल्व नहीं होगा और मैं हमेशा के लिए एक सीरियल किलर ही बनकर रह जाऊंगा। ऋषि अपनी जीप के सामने खड़ा होकर हर एक इंसान को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था, पर उसे कहीं भी अमित का कोई नामो निशान नहीं दिखा। धीरे धीरे टाइम निकल रहा था और कावड़े को समझ आ रहा था कि उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो इस बात को ऋषि को कहने से डर रहा था। ऋषि का गुस्सा सातवें आसमान पर था और कावड़े उसका शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। तब वो बस ऋषि को देख रहा था। कावड़े, गाड़ी निकाल। बच के निकल गया साला। ऋषि इतना कहकर पलटा और जीप में बैठ गया। कावड़े ने बिना कोई सवाल किए जीप को स्टार्ट किया और वो दोनों फिर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए।
कावड़े के मन में एक बार को सवाल आया भी था कि रात के टाइम क्या उसे ऋषि को घर पर छोड़ देना चाहिए, पर फिर वो अपना सवाल नहीं पूछ पाया और उसने गाड़ी की स्पीड तेज ही रखी। कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां एक बार फिर ऋषि गुस्से में अपने कैबिन में घुस गया। इस बार कावड़े ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर चला गया। ऋषि अपनी चेयर पर बैठकर अपने गुस्से को महसूस कर रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो अभी किसी को गोली मार दे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था और उसकी बेचैनी उसे पागल कर रही थी। उसे टाइम की कोई चिंता नहीं थी। वो वहां कितनी देर बैठा रहा उसे ये भी नहीं पता चला, पर कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी और वो अपनी टेबल पर ही सो गया। सपनों में भी ऋषि बस अमित को पकड़ने के बारे में ही सोच रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अमित को गोली मार रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी टेबल को कोई बजा रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वहां पर कावड़े खड़ा था। क्या हो गया कावड़े, इतने जोर जोर से टेबल क्यों बजा रहा है? सर, आप कल रात को यहीं सो गए थे क्या, घर नहीं गए? हाँ, वो सर बहुत दुख रहा है इसलिए। तूने क्या ये पूछने के लिए मेरी नींद खोली? टाइम क्या हुआ है? सुबह के 8 बज गए हैं सर। मैंने आपकी नींद इसलिए खोली क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। कावड़े ने इतना कहकर टेबल पर रखे हुए टीवी रिमोट को उठाया और जल्दी से उस पर न्यूज चैनल लगाया। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अभी भी अपनी आधी खुली हुई आंखों से आसपास देख रहा था। केबिन की खिड़की से देख रहा था कि सूरज ऊपर आ गया है और उसकी आंखें रोशनी को एडजस्ट कर रही थी। तब कावड़े ने न्यूज चैनल की आवाज बढ़ा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका हमें इंतजार था। उन 11 लोगों के नाम और फोटो बाहर आ गए हैं जो उस दिन अमित के घर में मिले थे। हमें उम्मीद थी कि पुलिस हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन कल रात को हमें एक अजीब सा मेल आया और उसमें इन सब के नाम और फोटो थे। आप स्क्रीन पर उन सब लोगों के बारे में देख सकते हैं जिन्हें अमित ने बेरहमी से मार दिया था। आखिर क्या कसूर था इन लोगों का? क्यों मारा अमित ने इन्हें? क्यों अब तक पुलिस ने इन लोगों के बारे में हमसे छुपाया? और कौन होगा अमित का अगला शिकार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर को सुनते ही ऋषि की नींद उड़ गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कावड़े ने देखा कि ऋषि के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर और पसीना था और उसे ऋषि का ये रिएक्शन समझ नहीं आया। ये कब हुआ? कब से टेलीकास्ट हो रहा है ये? सर, अभी कुछ देर पहले ही ये कवरेज शुरू हुआ है। कल रात जब मैं घर पहुंचा तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद ये कल रात को आपने किया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके पास ही आया। पर आपको सोता हुआ देख मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ और ही चक्कर है। लेकिन ऋषि कावड़े की बात नहीं सुन रहा था। वो बस टीवी में उन लोगों की तरफ घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और भी बढ़ गया और तब अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा, वहां एक प्राइवेट नंबर था। कावड़े, तू बाहर जा। ऋषि की बात सुनकर कावड़े ने बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकलने का सोचा। उसे कल से ही ऋषि बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करता हुआ दिख रहा था, पर अब उसे डरा हुआ देखकर उसका शक सही साबित हो रहा था कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। कावड़े के बाहर जाते ही ऋषि ने अपना फोन उठाया। हेलो हेलो, कहां हो तुम? टीवी देख रहे हो? क्या हो गया ये? कैसे हुआ ये सब? सर, मुझे नहीं पता कैसे हुआ और किसने किया, मैं तो सो रहा था। अच्छा, यहाँ पूरी दुनिया के सामने मेरा सारा किया कराया पानी में मिल गया और तुम नींद निकाल रहे हो? भूलो मत ऋषि, अगर मैंने बता दिया ना कि उस दिन अमित के घर में तुम घुसे थे और तुमने ही उन 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो कैसे बोलूं, तुम्हारी तारीफ करूं? अरे मना किया था ना मैंने तुमसे कि किसी भी तरह से उन सबका नाम और फोटो मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये जो कुछ भी हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा? तुम पहले ही तुमने यहां इतनी भसड़ मचा रखी है। सर, मुझे यकीन है
कि ये उस अमित ने ही किया है। कल उससे मेरी बात हुई थी, उसके पास सत्येंद्र का लेटर था और उसी ने ये नाम बताए होंगे। देखो, तुम अपनी हर गलती को दूसरों पर डालने का नाटक मत करो ऋषि। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद एक आदमी को नहीं मार पाए तुम। अगर उस रात उन सबके साथ साथ इस अमित को भी मार देते ना, तो ये चीज यहां तक नहीं पहुंचती। मैंने कोशिश की थी सर, मैं अपनी गन में गिनकर 12 गोलियां उन लोगों के लिए ले गया था। मैंने उनमें से 11 को तो मार दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमित भी वहां होगा। और जब मैंने उसे मारने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ने लगा, और इसी चक्कर में आखिरी की गोली भी वेस्ट हो गई। देखो, तुम्हें और मुझे दोनों को पता है ऋषि कि वो आखिरी गोली किसके लिए थी। तो मेरे सामने ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अब बस मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। मैं न्यूज कवरेज को रुकवाने की कोशिश कर सकता हूं सर। देखो, तुम ये कोशिश शब्द का इस्तेमाल तो मेरे सामने मत ही करो, ठीक है? मैंने कोशिश करके ही तुम्हें पहले एक कांस्टेबल से जल्दी से ट्रेनिंग में भेजा, और वहां पे सिफारिश करके तुम्हें सब इंस्पेक्टर बना दिया मैंने, लेकिन तुम्हारी एक भी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं रही। पर सर, आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है ऋषि। तुम टीवी रिपोर्टर्स के सामने कुछ भी बोलकर उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। और कल भी तुमने जो ये होशियारी मारकर अमित को सीरियल किलर बता दिया ना, उससे मेरा कुछ फायदा नहीं होना। पता नहीं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर इतना ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी भी बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी इस हीरो बनने की कहानी के चक्कर में मेरा नाम कहीं भी आया ना, या फिर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ, तो तुम अपनी खैर समझ लेना। अब जो फैलाया है ना, उसे सही करने की कोशिश करो, वरना मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी मां कहां रहती है, और वहां उनके साथ कोई भी नहीं है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। ऋषि का डर अब गुस्से में बदल गया था, और उसने उसी गुस्से में फोन को जमीन पर फेंक दिया और वो दो टुकड़ों में गिर गया। तब ऋषि अपने केबिन में गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाता रहा, पर बाहर जो भी उसकी आवाज सुन रहा था, किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कावड़े ने सबको ऋषि के गुस्से के बारे में बता दिया था। फिर ऋषि तुरंत ही अपने केबिन से बाहर निकला और जीप में बैठ गया। कावड़े को लगा शायद ऋषि उसे बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऋषि वहां से जल्दी से निकल गया। कावड़े को यही लगा था कि ऋषि शायद फिर से अमित से कॉल पर बात करके उसे खुद ही पकड़ने जा रहा है, और कावड़े रिलैक्स्ड हो गया। लेकिन अमित को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अभी के लिए श्रुति के घर पर सोफे पर आराम से सो रहा था। कल रात जब उसे यह समझ आया कि सत्येंद्र के घर जाना और उसके लेटर को पढ़ने का कुछ मतलब नहीं निकला, तब निराशा और गुस्से ने उसे घेर लिया था, और कुछ भी नहीं कर पाने के कारण वो सोफे पर ही सो गया। तब श्रुति ने अपना काम कंप्लीट किया और सुबह होते ही एक फेक मेल आईडी से सारे न्यूज चैनल्स को मेल कर दिया। फिर वो और जॉन्टी बस न्यूज चैनल पर रिपोर्टर्स को बात करते हुए देख रहे थे। नाम बताने से भी हुआ क्या? अभी भी तो सभी यही पूछ रहे हैं कि अमित कहां है और उसका अगला शिकार कौन है, जबकि उन लोगों को इस चीज में दिमाग लगाना चाहिए कि इन 11 लोगों के बीच में कनेक्शन क्या है, ताकि कुछ तो ढंग की इंफॉर्मेशन बाहर आए। ये इतना आसान नहीं है जॉन्टी, यहाँ वही बिकता है जो लोग देखना चाहते हैं। अब अगर सब जगह से अमित का नाम हट जाएगा तो कोई न्यूज नहीं देखेगा, और ना ही किसी को इन लोगों की स्टोरी में जानने का इंटरेस्ट बाकी रहेगा। पर अमित का नाम रखने से भी क्या मिल रहा है? अमित तो यहाँ चैन की नींद सो रहा है, कोई इसे पकड़ तो पा नहीं रहा। उसके बारे में बोल कर भी ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे ही ये भी मेरे बारे में बोलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन यूं ही टीआरपी के लिए न्यूज चलाएंगे और फिर शांत बैठ जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा कि अमित कहां गया और उसका अगला शिकार कौन है। अमित की आंखें बंद थीं, लेकिन वो जाग रहा था, और तब जॉन्टी और श्रुति उसकी तरफ देखने लगे। तब अमित खड़ा हुआ और स्ट्रेचिंग करने लगा। अगर किसी चीज का मतलब नहीं तो फिर तुम छुप क्यों रहे हो? चले जाओ पुलिस के सामने, बता दो उनको कि कौन हो तुम, क्या किया है तुमने और क्या सच है। या फिर अगर ये नहीं करना है तो फिर मैंने कह रखा है कि भाग जाओ यहाँ से, ताकि सबको चैन मिले। बस कर जाओ यार, बस कर जाओ।
दो दिन से बस यही सुन रहा हूं मैं कि भाग जाओ भाग जाओ। अरे भाग कर जाऊंगा कहां? अंबिका के पास या अपने बाप के पास जिसने एक बार में ही घर से बाहर निकाल दिया था मुझे? अरे ये न्यूज क्या वो नहीं देख रहे होंगे? क्या बोलूं उनसे कि ये गन है, इससे मैंने मर्डर किया है? पहले आरव को, फिर इन लोगों को मारा मैंने, और अब आपकी बारी है। अमित ने इतना कहकर टेबल पर रखी हुई गन को उठाया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। तब जॉन्टी अमित के गुस्से को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रुति ने कुछ नहीं कहा और वो नीचे पड़ी हुई गन को उठाने लगी। लेकिन गन उठाते वक्त अचानक श्रुति ने कुछ देखा और वो उस गन को हर तरफ पलट कर देखने लगी। अमित अब उसकी तरफ देख रहा था। अमित, तुमने क्या बताया कि तुम्हें ये गन कहां से मिलती थी? ये गन वो आदमी छोड़कर गया था जो मुझे और उन लोगों को मारने आया था, असली किलर। क्यों, तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें? एक सीरियल नंबर। मतलब? मतलब एक ऐसा सीरियल नंबर जो इशूड गन्स पर इम्प्रिंट होता है। सीधा कहूँ तो जो गन गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस या आर्मी फोर्स को मिलती है, ऐसा नंबर उन गन्स पर रहता है। अगर ऐसा है तो ये गन उस आदमी के पास कहाँ से आई? क्या वो पुलिस वाला था? श्रुति, क्या तुम 100% श्योर हो? हाँ अमित, 100%। मुझे जाना होगा। लेकिन कहाँ? इस केस का आखिरी पार्ट सॉल्व करने। श्रुति और जॉन्टी अब भी अमित की उस आखिरी लाइन के बारे में सोच रहे थे। आखिर अमित कैसे इस केस को सॉल्व करने की बात कर रहा था और वो अब कहां जा रहा था? उन दोनों के मन में यही सवाल चल रहे थे। क्या हमें अमित को रोकना नहीं चाहिए था? बाहर अगर उसे कोई पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा? तो पकड़ लेने दो जॉन्टी। अमित के साथ जो भी हुआ उसे हमें कोई लेना देना नहीं। पहले ही उसके चक्कर में तुम्हें गोली लग चुकी है। अब मैं ना तो तुम्हारी जान ना मेरी खुद की जान उसके चक्कर में मुसीबत में डालना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हो श्रुति दीदी? मुझे तो लगा था कि अमित हमारा दोस्त है, इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। दोस्त था जॉन्टी, अब से अमित के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद उसे चाहे पुलिस अरेस्ट कर ले या फिर कोई गोली लगकर वो मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी पूछेगा तो कह देना अमित से हम नहीं मिले, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना कहकर श्रुति अपने कमरे की तरफ चली गई। जॉन्टी उसे हैरानी से देख रहा था कि अचानक श्रुति ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रुति का यह रिएक्शन इसलिए था क्योंकि अमित ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। और एक बार फिर वो अपने मन की चीज करने के लिए चला गया था। पर जॉन्टी के मन का यह शक दूर नहीं हुआ था कि आखिर अमित गया कहां है। अमित एक ऐसे रास्ते पर था जो उसने पहले भी चुना था, और इस बार वो इस रास्ते पर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए निकला था। हर एक कदम पर उसे एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी और वो बस उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उसे देख लेगा, बस वो अपने मन को तसल्ली देना चाहता था। कुछ ही देर में चलता हुआ अमित अपने घर के सामने एक बार फिर खड़ा था। वही पुराना सा घर, वही खिड़की और वही रात उसे फिर से याद आने लगी। लेकिन इस बार वो चीजें बदलने आया था, इसीलिए वो अपने घर पर नहीं रुका, वो ऋषि के घर की तरफ बढ़ा और पीछे के रास्ते से अंदर घुस गया। घर बहुत शांत था, उसे लगा कि वहां कोई नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसे उर्मिला जी दिखी जो ड्राइंग रूम में बैठी हुई किसी बारे में सोच रही थी। हेलो उर्मिला आंटी। अमित, तुम यहां? हाँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं, आप प्लीज मेरी बात को एक बार सुन लीजिए। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि मैं एक सीरियल किलर हूं और आपको पुलिस को बुला लेना चाहिए, पर आप प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। इतना कहकर अमित ने अपने कोट में से उस गन को निकाल लिया। उसे देखकर उर्मिला जी हैरान हो गई, लेकिन तब अमित ने उस गन को धीरे से टेबल पर रख दिया। मैं आपको यहां किसी भी तरह की चोट पहुंचाने नहीं आया हूं,
बस ये बताने आया हूं कि ये वही गन है जिससे उन 11 लोगों का मर्डर हुआ है। ये गन उस आदमी ने मेरे घर में छोड़ दी थी जब वो मुझे नहीं मार पाया और फिर मेरे ऊपर सारे मर्डर्स ब्लेम हो गए। लेकिन आज मैंने इस गन को देखा तो पता चला कि इस पर एक सीरियल नंबर है जो सिर्फ उन गन्स पर होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है। अब मैं जो कहूंगा वो शायद आपको गलत लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन जो आदमी मेरे घर पर उन लोगों को मारने के लिए आया था वो ऋषि ही था और ये उसी की गन है। आपने ही मुझे उस दिन बताया था ना कि ऋषि घर आ गया था और उसके बाद ही मर्डर्स हुए थे, तो उसका मतलब यही है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आंटी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है अमित, क्योंकि उस रात मैंने ऋषि को काले कपड़े पहनकर और गन के साथ तुम्हारे घर के अंदर घुसते हुए देखा था। फिर मैंने उसका पीछा किया और खिड़की में से देखा कि कैसे ऋषि ने उन लोगों को मार दिया। फिर वो बेडरूम में गया और थोड़ी देर बाद ऊपर से बिना अपनी गन के नीचे आ गया। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं ऋषि मुझे भी तो नहीं मार देगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और अगली सुबह उसने आगे रहकर मुझे तुम्हारे यहाँ चलने का कहा। जब हम तुम्हारे घर पहुँचे तो वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई और तुम मर्डरर बन गए। मतलब आपको शुरू से सब कुछ पता था कि मर्डरर ऋषि है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा? ये सारी चीजें कभी इतनी बिगड़ती ही नहीं अगर आप पहले ही ये सच सबके सामने रख देती। खैर अभी भी चीजें संभालने का टाइम है। आपने जो कुछ भी अभी मुझसे कहा आपको वही सेम चीज मीडिया को बतानी है और उसके बाद सब वही खत्म हो जाएगा। ऋषि को अपने जुर्म की सजा मिलेगी और मुझे मेरी फ्रीडम। नहीं अमित, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऋषि को बहुत ही मिन्नतों से बड़ा किया है, उसके लिए मैं जान भी देने को तैयार रहती हूँ। बचपन से ही ऋषि ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और जब मौका आया कि वो शादी करके कहीं और सेटल हो जाए या मेरे साथ रहे तो उसने मुझे ही चुना। मैं मेरे एक लौते बेटे को खो नहीं सकती अमित, तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक माँ का दिल नहीं जानते हो ना। मैं ऋषि के बिना रह नहीं सकती, उसके पापा के बाद वही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे वो कितना बड़ा मर्डरर ही क्यों ना हो। आखिर है तो वो मेरा ऋषि ही जिसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आंटी उन सब का क्या जिन्हें ऋषि ने उस दिन बेरहमी से मार दिया? क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उन्हें कोई आदमी आकर मार देगा और उनके मौत के असली गुनहगार को कोई सजा भी नहीं देगा? ये सब गलत है आंटी। वो लोग मेरे घर पर पार्टी नहीं कर रहे थे, वो अपने लोगों के भले की बातें करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। उनके लिए अपनी कम्युनिटी के लोग ही सब कुछ थे, इसीलिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। सत्येंद्र नाम के आदमी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था ताकि वो मेरे घर पर आकर मीटिंग कर सके, और सत्येंद्र के मरते ही उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली। आप समझ रही है ना इन सब चीजों को, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी जान से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरह प्यार में अंधे नहीं हो रहे थे। तुम्हें जो कहना है कहो अमित, इसका कुछ मतलब नहीं है। तुमने हिम्मत दिखाई है कि तुम यहां आए और तुमने मुझसे बात की, लेकिन अब अगर तुम यहां 2 मिनट और रुके तो मैं ऋषि को फोन लगाकर बुला लूंगी। उसकी जरूरत नहीं है माँ, मैं यहीं पर हूं। ऋषि इतनी देर से कॉरिडोर में छुपा हुआ था और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर अमित हैरान हो गया। उसे लगा शायद उसने यहां आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है, और तब वो पलटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऋषि ने जल्दी से अपनी गन उस पर तान दी। इस बार भागने की कोशिश करोगे तो मेरा निशाना नहीं चुकेगा अमित। तुझे अगर ये लगता है कि सरकार ने मुझे बस एक ही गन दी है तो तू गलत सोच रहा है। ये दूसरी गन है और इसमें सारी गोलियों को मैं तुझ पर खाली कर दूंगा। अपनी जगह पे खड़ा रहे। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो तुझे अरेस्ट करने पे मिलता, एक अच्छा प्रमोशन, नई जिंदगी, गाड़ी, बंगलो, इज्जत, और इससे ज्यादा एक इंसान को और क्या चाहिए? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपने आप को इंसान कैसे समझ सकते हो?
हैवान हो तुम। अच्छा हैवान मैं हूँ, तो तू अपने आप को क्या कहेगा? तूने भी तो आरव को मरने दिया, क्या वो सही था? इतनी छोटी सी उम्र में वो भगवान को प्यारा हो गया, क्या ये तेरी वजह से नहीं हुआ? तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में, बस यूं ही बकवास कर रहे हो तुम। मैं इतना तो जान गया हूँ मिस्टर अमित वर्मा कि तू दूध का धुला हुआ तो नहीं है, जितना होशियार तू बनता है उससे भी बड़ा बेवकूफ है। एक बेवकूफी तूने उस रात घर लौट कर की, अगली अपने घर से भाग कर, उसके बाद मुझसे उलझ कर, और आखिरी में घर पर मेरी माँ को धमकाने की बेवकूफी। लेकिन तुझे पता है इनमें से सबसे बड़ी बेवकूफी कौन सी थी? वो जिस दिन तूने ये डिसाइड किया कि तू एक डिटेक्टिव बनेगा। तुझे कुछ नहीं आता है, तू नंबर जीरो है, और तुझे घर से निकाल कर तेरे पापा और अंबिका ने सही किया था। किसी दिन उनसे मिलूंगा तो जरूर उनकी तारीफ करूंगा। ऋषि की बातें सुनकर अमित को गुस्सा आने लगा। ऋषि ने अमित की सारी हिस्ट्री पता कर ली थी और उसे अच्छे से पता था कि अगर वो अमित पर ऐसी चीजों से अटैक करेगा तो अमित पिछली बार के मुकाबले वीक पड़ जाएगा और ढंग से लड़ नहीं पाएगा। ये बात सोचकर ऋषि के चेहरे पर स्माइल आ गई। तेरे पास अब करने को कुछ नहीं बचा है अमित, सरेंडर कर दे या फिर मैं तेरा एनकाउंटर कर देता हूं। अगर सरेंडर करेगा तो एक दिन मैं अंबिका और तेरे पापा को यहां लेकर आऊंगा और तुझसे बात करवाऊंगा, या फिर तू मरकर आरव से ऊपर भगवान के पास जाकर बात कर लेना कि तूने उसे क्यों मरने दिया। चॉइस तेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तू सेकंड ऑप्शन चूज कर, क्योंकि उस रात तुझे नहीं मार पाने का दुख मैं अभी तक भूला नहीं हूं। ऋषि ने अपनी गन को अनलॉक कर लिया, इसका मतलब वो शॉट लेने के लिए तैयार था। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि एक दिन उसकी मौत किसी केस को सॉल्व करके ही होगी, और शायद ये वही दिन था। ऋषि, ऋषि, बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे मारना चाहिए। अगर ये सरेंडर कर ही रहा है तो इसे रेस्ट कर लो, किसी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? बदला माँ, बदला। इस दुनिया में बदले से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और मैं बदला लेकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। पर ऋषि, ये घर तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से बनाया है, इसमें मर्डर करके उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। पापा का नाम मत लो माँ, बचपन से ही उन्होंने मुझे डांटने के अलावा और कुछ नहीं किया है, और हर वक्त बस नीचा ही दिखाया है। आप जितना मुझसे प्यार करती हो वो मुझसे उतनी ही नफरत करते थे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है ऋषि, तुम्हारे पापा बस ऐसा दिखाते थे कि वो तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना माँ, तो जाइए पापा से ही पूछ लीजिएगा कि सच क्या है। ऋषि ने इतना कहा और जल्दी से गन उर्मिला जी की तरफ करके उनके सर में गोली मार दी। जब अमित ने गोली का साउंड सुना तो अपनी आंखें खोली और देखा कि उर्मिला जी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उनके सर में से लगातार खून बह रहा था। अमित ने ऋषि को देखा जिसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी, और तब वो मौका देखकर वहां से भागने लगा, पर इतनी ही देर में ऋषि ने उसे देख लिया और जल्दी से एक गोली उसके राइट पैर पर मार दी। अमित लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। मैंने बोला था तुझसे कि तू चाहे आज कितनी भी कोशिश कर ले, यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा और सबको यही स्टोरी बताऊंगा कि अमित मेरे घर आया, मेरी माँ ने मुझे फोन किया, लेकिन जब तक मैं अपने घर पहुंचा तब तक अमित ने मेरी माँ को मार दिया, और फिर एनकाउंटर में अमित की भी मौत हो गई। यही कहानी खत्म हो जाएगी। अमित जमीन पर गिरा हुआ था, उसे अपना पैर अब फील नहीं हो रहा था। उसने एक बार उठने की कोशिश की लेकिन उसके पैर में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब वो कहीं नहीं जा सकता। यही बात सोचकर वो ऋषि की तरफ मुड़ा, जिसने अपना फोन निकाल लिया था और कावड़े को कॉल कर दिया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सेटिस्फैक्टरी स्माइल है। हाँ कावड़े, सबके लिए एक अच्छी खबर है, मैंने अमित को पकड़ लिया है। नहीं, जिंदा नहीं है, मर गया है। हाँ हाँ, सब बताऊंगा, अभी तू बस कुछ कॉन्स्टेबल्स और फॉरेंसिक टीम को लेकर मेरे घर आ जा, मैं यहां तेरा इंतजार कर रहा हूं। बाय। क्यों,
आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो मां तुम्हें इतना प्यार करती थी, जो तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, तुमने उन्हें ही मार दिया। क्यों? हो कौन तुम? मैं वही हूं, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता, जैसा तू और ये दुनिया मुझे जानती है। लेकिन जिस तरह से मैं चीजें देखता हूं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताता हूं, दरअसल आज जब मैं पुलिस स्टेशन से निकला, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरी माँ को किसी सेफ जगह ले जाना है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देनी है। पर फिर जब मैं यहां पहुंचा, तो मैंने सुना कि उन्होंने उस रात मुझे तेरे घर जाते हुए देखा, और मैं अपने काम में किसी भी विटनेस को नहीं छोड़ सकता हूं। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को इस बारे में बता ही देती, जैसे उन्होंने आसानी से तुझे बता दिया। इसीलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें मारना पड़ा। हर एक चीज कनेक्टेड रहती है अमित, तेरे जैसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात का सेंस नहीं बन रहा है कि तुमने सत्येंद्र और उसके साथियों को क्यों मारा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। फिर क्यों? जब मैंने बताया कि उनमें से एक आदमी जिंदा है, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या तुम्हें उसे भी नहीं मार देना चाहिए था? यही तो तेरी बात है ना अमित, तू अपने आप को भले ही डिटेक्टिव कहता है, लेकिन क्लूज को कनेक्ट करना तुझे आता ही नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए कहूं तो मेरा पूरा नाम है ऋषि मुनि आनंद मेहता, जो मेरे पापा ने बड़े गर्व से रखा था, लेकिन इवेंचुअली मैंने उसे छोटा कर दिया। इसका मतलब वो आखिरी नाम जो उस लिस्ट में था, आनंद मुनि, वो तुम ही हो? फाइनली, अच्छा हुआ तुझे समझ आ गया। जब कल शाम को तूने मुझे कॉल लगाया और कहा कि तेरे पास नाम की लिस्ट है, तो मुझे यही लगा कि शायद तूने मेरे बारे में जान लिया है। लेकिन फिर तेरी डील सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तुझे सच में चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। पर अगर तुम इन सब में से एक थे, तो फिर तुमने अपने इन साथियों को क्यों मारा? तुम सब तो वहां अपनी कम्युनिटी के काम के लिए ज्वाइन हुए थे ना, फिर क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? बात अगर यहां तक आ ही गई है, तो चल मैं तुझे थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूं। तो बात उस समय की है जब मैं 12th में था। मेरे पापा ने बोला कि सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए कॉलेज से ज्यादा एग्जाम प्रिपरेशंस पर ध्यान दो, और मैंने वही किया। लेकिन जब एग्जाम हुई तो मैं उसमें फेल हो गया और कॉलेज भी ढंग से नहीं पास हो पाया। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया, पर उन्हें मेरी चिंता भी थी, इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे मिलने को बोला। उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। पहले मुझे पुलिस ट्रेनिंग में यूं ही घुसा दिया, फिर कांस्टेबल बना दिया, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर। पर इतना सब कुछ करने के पीछे उसका एक कारण था, वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था। हर बार जब मैं उसे मिलता, वो कहता कि मैं एक बड़े मिशन के लिए उसके सामने आया हूँ और मुझे वो पूरा करना है। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आता था, जैसे तुझे नहीं आ रहा, लेकिन फिर जब मैंने कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली, तब उसने मुझे फूलदास नगर पुलिस स्टेशन में पोस्ट कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे काम से ज्यादा लोगों से बात करनी है, और स्पेशली सत्येंद्र नाम के आदमी से। जब मुझे पूरा दिन बस घूमने के लिए पैसे मिल रहे थे, तो मैंने भी ये अपॉर्चुनिटी ले ली और धीरे धीरे करके मैं सत्येंद्र से बात करने लगा। मैंने उसके बारे में उसे जाना, उसकी लाइफ स्टोरी उसने बताई, ये बताया कि कैसे उसे लोग परेशान करते हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब सत्येंद्र एक दिन मुझे एक रात एक मीटिंग में ले गया। वहां हम दोनों के अलावा 10 लोग और थे, जो सत्येंद्र की तरह ही बातें करते थे। मैं उस मीटिंग में बैठा रहा और उन सब की परेशानियों और बहस को सुनता रहा। अगले दिन मैं उस आदमी के पास वापस गया और उसने मुझसे सत्येंद्र के बारे में अपडेट्स पूछे, और तब मैंने उसी मीटिंग के बारे में सब बता दिया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुझे कहा कि अगली बार जब भी मैं मीटिंग में जाऊं, मुझे वहां ये बोलना है कि सरकार को उनकी लोकेशन पता है और उन्हें उसे चेंज करना पड़ेगा, और नई लोकेशन मुझे ढूंढनी थी, वो भी अपने घर के करीब। तब तुमने मेरा घर सजेस्ट किया। एग्जैक्टली।
अब तुझे चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं एक अच्छा नरेटर हूँ। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ हाँ याद आया, तुझे पता नहीं लेकिन मैं बहुत टाइम से तेरे घर पर नजर रख रहा था, और मैंने मेरी माँ से भी पूछा था लेकिन वो भी तेरा पता ठिकाना नहीं जानती थी। जब सारी चीजें क्लियर हो गई तो मैं उन सब को लेकर यहाँ आ गया और फिर हमने फिर से चीजों को नॉर्मली शुरू कर दिया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए मिलते थे तो फिर एक पुलिस वाले का उसमें रोल क्या था? फिर एक फालतू का क्वेश्चन अमित, पर मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। हर इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए और इसीलिए सत्येंद्र ने मुझे इंक्लूड किया था। उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं सरकार की हर बात और पुलिस की हर प्लानिंग उन्हें बताऊंगा, और इनकेस अगर वो अरेस्ट हो जाए मैं जेल में भी उन्हें मदद करूंगा। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि मैं खुद ही सरकार का एक मोहरा हूं। कुछ दिन चीजें सही करने के बाद ही मुझे उस आदमी ने बोला कि मुझे अब इन सबको बताना है कि उनकी जान खतरे में है, इसीलिए ये मीटिंग अब बंद करनी चाहिए। लेकिन उनमें से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे और सत्येंद्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उस आदमी का नाम मत लो मेरे सामने, मेरी पूरी जिंदगी उसने ही बर्बाद की है। अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो सब कुछ सही हो जाता। सत्येंद्र समझदार था, इसीलिए उसे समझ में आ गया था कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और तब उसने मेरे लिए लेटर लिखा ताकि तुम्हारा पर्दाफाश हो सके। लेकिन बस उसे तुम पर भरोसा था, इसीलिए वो डायरेक्टली तुम्हें ब्लेम नहीं कर पाया। मुझे भी समझ आ गया था कि उसे मुझ पर शक है, पर ये मैं नहीं जानता था कि उसने तुझे एक लेटर लिखा है और उसमें सब कुछ बक दिया है। अगर ये बात पहले पता होती तो मैं उसे उस दिन ही मार देता, पर फिर मुझे ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मैं आया तो मुझे एक सिंपल टास्क दिया, उन सब को मारने का, और वो मुझे एक बार में ही करना था। मैं तैयार था, पर फिर मुझे बोला गया कि मुझे उन्हें एक साथ मारना है और खुद भी सुसाइड करनी थी, ताकि स्टोरी ये बन सके कि उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और इसीलिए एनकाउंटर में वो मर गया। मैं डर गया था कि आखिर ये कैसे होगा, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? ये सवाल मैंने उस आदमी से पूछा, पर उसने मुझे कहा कि ये करना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे मरवा देगा। मेरा मरना तय था और इसलिए मैंने उसी दिन काम को करने का सोचा। मैं मीटिंग में पहुंचा, हमने बातें की और फिर मैंने सबको पानी पिलाने के बहाने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में वो सब सो गए। फिर मैं वापस घर आया, कपड़े बदले, गन लेकर गया और फिर मैंने सबके सिर पर गोली मार दी। तभी शायद माँ ने मुझे देख लिया था। जब मेरी बारी आई तो मैं अपने आप को शूट करने के लिए तैयार था, पर डर अभी भी था। और तभी मुझे ऊपर के कमरे से आवाज आई। मैं कमरे के बाहर पहुंचा और तुझे देखा, तब सोचा कि मैं तुझे मार देता हूं और फिर पूरे घर को आग लगा दूंगा। सुबह यहां से 12 लाशें मिलेंगी और उस आदमी को लगेगा कि मैंने सुसाइड कर ली, और जल जाने की वजह से कोई किसी को पहचान में नहीं आएगा। पर तुम्हारा प्लान मैंने फेल कर दिया और तुमसे लड़कर तुम्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, और उसी वजह से मैं आज तक डर के भाग रहा हूं। जब अगले दिन ये खबर बाहर निकली तब उस आदमी को पता चल गया था कि मैं जिंदा हूं। अब उसे बस अपनी जान बचानी थी, इसीलिए उसने मुझे कुछ भी मीडिया को बताने से मना कर दिया। लेकिन उसने धमकी दी थी कि वो कभी भी मुझे मार सकता है, इसलिए मैं उस दिन से पुलिस स्टेशन में ही रहने लगा, वही खाने लगा और वही सोने लगा, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट जगह थी जहां वो मेरा कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मुझे मेरा काम खत्म करना है, तुझे मारकर मैं यहां से भाग जाऊंगा और फिर वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। यही इस कहानी का एंड होता है अमित वर्मा। और तुम कब तक भागोगे? इसका कुछ फायदा नहीं है। मैं 8 साल से अपने पास्ट से और अपनी जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचूं और खुशी पा सकूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है और तुम्हारे साथ भी नहीं हो पाएगा। ये चीज तुम्हें हमेशा हॉन्ट करेगी कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है, और उस चीज का बोझ कभी नहीं उतरेगा। मुझे भी यही लगता है कि मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है, और तभी मुझे वो शांति मिलेगी जो मैं चाहता हूं।
ये तो अच्छी बात है अमित कि मरने से पहले तुझे भी ये समझ आ ही गया। पर ये जान ले कि मैं तेरे जैसा कमजोर दिल का नहीं हूं जो चीजों को इतने ध्यान से देखेगा। मैं सब इग्नोर कर सकता हूं। तुझे जो भी बात करनी है अब आरव से ही करना, ऋषि ने स्माइल के साथ कहा और फिर वो ट्रिगर दबाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसके साइड में से जॉन्टी ने जंप किया, बुलेट फायर हुई और दीवार पर लगी। तब ऋषि इंबैलेंस हो गया और उसकी गन अमित के पास जाकर गिर गई। अमित ने देखा कि ऋषि जॉन्टी को धक्का दे रहा था और उसे एक पंच मारने के लिए तैयार था। अमित को समझ आ गया था कि अब उसे वो चीज करनी ही पड़ेगी जिससे वो आगे नहीं निकल सकता। तब अमित ने गन उठाई और जल्दी से ऋषि की तरफ पॉइंट करके शूट कर दिया। गोली ऋषि के हार्ट पर लगी और वो जॉन्टी से दूर हट गया। तब जॉन्टी और ऋषि ने हैरानी से अमित की तरफ देखा। ऋषि के चेहरे पर स्माइल थी। आखिर तूने वो कर ही दिया जो तुझे करना नहीं चाहिए था अमित, तू बन ही गया किलर डिटेक्टिव एक्स। ऋषि ने इतना कहा और वो नीचे जमीन पर गिर गया। तब भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। जॉन्टी अब हैरानी से अमित की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर था और वो चीजों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जॉन्टी को पुलिस जीप का सायरन सुनाई दिया जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कावड़े अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा था। तब जॉन्टी ने जल्दी से डिसीजन लिया और अमित को मदद करके उठाते हुए उसने कहा, अमित हमें यहां से निकलना होगा। तुम जो भी सोच रहे हो उसे बाद में सोच लेना, चलो। जॉन्टी ने अमित को उठाने में मदद की। अमित दर्द के बावजूद भी अपने पैर पर खड़ा हुआ और उसने ऋषि को देखा जो वहां मरा हुआ पड़ा था। तब वो जॉन्टी के साथ वहां से बाहर निकल गया और इसके साथ ही अमित एक असली सीरियल किलर बन गया।